tour ka. Buti na po may walang ganun. Tama kaya ka na, tour mo na sa ramin sila. Ah, kasi. Kung ba sa pag? मौजूद है सो दैट मुझे मालूम हो कि वी आर रेडी टू प्रोसीड. ओके गाइस आई एम गेटिंग अमेजिंग. ठीक है सब लोग वन लिख रहे हैं. गुड. ओके गाइस बिफोर आई मूव ऑन आई वांट टू आस्क यू गाइस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज कि आप लोग जिस शहर से लॉग इन हो रहे हैं तो प्लीज उस शहर का नाम लिखे चैट बॉक्स में, यू नो, टाइप करें. अगर आप कराची से हैं टाइप इन कराची, अगर आप यू नो मियांवाली से हैं टाइप इन मियांवाली, अगर इस्लामाबाद से हैं टाइप इन इस्लामाबाद, सो दैट हमें ये मालूम हो सके कि आज की ऑडियंस कहाँ कहाँ से जो है लोग इस ट्रायल क्लास को सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से इस ट्रायल क्लास के लिए लॉग इन हुए हैं और कितनी डाइवर्स ऑडियंस आज हमारे पास मौजूद है. सो गाइस जिस शहर से भी आप लॉग इन हो रहे हैं प्लीज उस शहर का नाम लिखे चैट बॉक्स में टाइप करें. हमारे पास अलीसा इमरान है फ्रॉम लाहौर, हमारे पास काशिफ है फ्रॉम लाहौर, हमारे पास मोहम्मद जीशान खान है कराची से, फरहाद साहब है फतेह जंग से, हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम है सवाबी से, वेरी गुड. हमारे पास मोहम्मद इमरान है सियालकोट से, अहमद ज्वाइन कर रहे हैं हमें मुल्तान से, फाया हमें ज्वाइन कर रही है कराची से, राहील तारिक हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद से, मोहम्मद यूसुफ आए हुए हैं कराची से, गैलेक्सी J6 कराची से, शकील जहूर हमारे पास आए हुए हैं कराची से आए हुए हैं, सनूडियल लियाकत हमारे पास हैदराबाद से मौजूद है, राहिल. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज गाइज. हमारे पास बहुत डाइवर्सिफाइड ऑडियंस आज की इस क्लास में आई भी है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज संडे का दिन है और आप लोगों ने आज के दिन यू नो अपने लिए कोई सीखने के लिए कोई चीज यू नो आप लोग आए, वरना यू नो यू कुड हैव मेड प्लान समवेयर एल्स, यू कुड हैव यू नो मेड प्लान्स विद द फैमिली एंड एवरीवन एल्स, बट यू नो focus on learning. And आज हमारे पास जो लोग मौजूद हैं वो बहुत committed लोग होंगे और इंशाल्लाह तआला हमारे पास बहुत you know interaction आज मुझे लग रहा है show होगा आज की class में. So guys if you are serious, अगर आप इस बारे में संजीदा और serious हैं कि आप एक successful online business start करना चाहते हैं, या आप इस बारे में serious हैं कि आप अपने current business की sales को बढ़ाना चाहते हैं, या आप इस बारे में सीरियस हैं कि आप अपने करियर को एज अ मार्केटर नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी लर्निंग इन टुडेज डिजिटल मार्केटिंग क्लास. हम यही देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. हम आज यही देखेंगे कि आप अपने करंट बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है, उसको आपकी सेल्स उसकी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी जॉब अगर कहीं कर रहे हैं एज अ मार्केटर तो आप अपने आपको एज अ नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जा सकते हैं. यही सारी चीजें आज की क्लास में हम चीजें डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर यू नो आई मूव ऑन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जो जो लोग इस क्लास की एंड तक रुकेंगे उन लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो मैं एंड में सब लोगों को दूंगा. अगर मैं भूल जाऊं देना तो गाइस प्लीज डू रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं पूरी याद रखने की कोशिश करूंगा. लेकिन बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट आप लोगों के लिए मौजूद है जिसमें एक पूरी पीडीएफ गाइड मैंने लिखी है कि आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सो गाइस आज का एजेंडा हमारा कुछ ऐसा है कि मैं आपको शुरू में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आईडीएम पाकिस्तान के. इसमें मैं ज्यादा यू नो नहीं टाइम लगाऊंगा बिकॉज आप मेरी और आईडीएम पाकिस्तान की कहानियां सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए. हम उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, देखेंगे हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है. जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का बैकग्राउंड होगा किसी का नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे क्लियर कर लें कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली प्रॉपरली होती क्या है. एंड देन हम ये देखेंगे कि आपको क्यों और किसको सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग. ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, ये खास कैटेगरी के लोगों के लिए है. अगर आप उन चार कैटेगरीज में फॉल करते हैं तब आपको सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग, अगर नहीं करते हैं तो इट्स नॉट फॉर यू. तो एटलीस्ट आप इस पॉइंट तक रुकिएगा जब तक हम देख लें कि किन कैटेगरीज के लोगों के लिए, किन प्रोफेशन के लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. देन हम ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम यूज करके किसी भी बिजनेस की सेल्स को हम डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कर सकते हैं. और ये प्रोसेस अगर आपने सीख लिया, लिटरली अगर आपने सीख लिया ये प्रोसेस, तो भले आपका कोई बिजनेस है तो
दैट इज वेरी गुड. आप उसको उसको उसकी सेल्स को डबल ट्रिपल कर सकेंगे. अगर कोई बिजनेस नहीं है तो फिर भी आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि यार मैं कैसे एक बिजनेस की सेल्स को डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कैसे बढ़ा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे चार बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. और ये ऐसे बिजनेसेस नहीं होंगे जिसमें आपको बताएंगे कि यार ये चार बिजनेस है इसको स्टार्ट कर लो. नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे आपने ये चार बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं और आप इन बिजनेस को स्टार्ट करके लिटरली लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं. मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ. मैंने खुद इन पैसे कमाए अल्हम्दुलिल्लाह और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आप लोग कैसे कर सकते हो. देन हम लोग करिकुलम देखेंगे कि जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो करिकुलम है उसकी हम थोड़ी सी डिटेल में हम चीजें देखेंगे. उसके बाद हम सर्टिफिकेशन की तरफ आएंगे, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है जिनको लेके आप अपने करियर में आप एडवांसमेंट ला सकते हो, ग्रोथ ला सकते. और उसके बाद हम देखेंगे कि how you guys can get started. Now guys, please in the chat box type in one. अगर सब लोगों को आज का एजेंडा क्लियर है, सब लोग सेम पेज में हैं, तो प्लीज टाइप इन वन सो दैट मुझे मालूम हो कि किसी को किसी किस्म का कोई सडन सरप्राइज यहाँ पे नहीं होने वाला, बल्कि सबको मालूम है कि यार आज हम ये चीजें कर रहे हैं और जो जो लोग एंड तक रुकेंगे उनको एक स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा जो इस पूरे वेबिनार से भी ज्यादा इंशाल्लाह ताला आपको वैल्यूएबल लगेगा. Okay, I'm getting a lot of ones. Thank you, guys. Guys, first of all, IDM Pakistan journey. We started IDM Pakistan in 2016 with the vision and ambition ki Pakistan mein ek aisa digital marketing ka training ka institute ho jisme digital marketing ke heroes, Pakistan ke top digital marketers, digital marketing ki training dein. So what we did was we hired the best digital marketers in Pakistan and we launched our first batch in 2017 mein humne apna first batch launch kiya. Aur within a few short months we crossed over 100 students और हमारे पास success stories आना शुरू हो गई, लोगों के businesses start हुए, किसी के businesses जो है वो grow होना शुरू हो गए, लोगों की job लगने शुरू हो गई. लेकिन हमें ये realize हुआ कि हमारे students को success तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी. वो मुश्किल इसलिए हो रही थी बिकॉज वो सारी चीजें मैनुअल ही उनको करनी पड़ रही थी, उनके पास कोई टूल्स नहीं थे जिनकी मदद से वो चीजों को आसान बना सकें और वो टूल्स एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के. सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने वो 62,000 रुपीज के वो टूल्स खरीदे और वो हम अब सारे स्टूडेंट्स को उनकी लाइसेंस फीस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स के पास अब कोई भी एक्सक्यूज ना हो कि यार मैं इसलिए आगे नहीं जा सका बिकॉज मेरे पास tools nahi the. Now alhamdulillah we have closed to a 44 batches and trained over 625 professionals from all over Pakistan. And the beautiful thing is ke we have created dozens and dozens and hundreds of success stories. Agar main wo success stories ki yahan pe videos play karna shuru karu to yahan pe hamare paas shaam ke 7-8 yahi bach jayenge. Main aapko dikhaunga ek aad inshallah end mein main aapko zarur dikhaunga. Now ye jo success stories create hoti hain ये इस वजह से नहीं होती कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और बूम्स उनकी सक्सेस क्रिएट हो गई. नहीं, देयर इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव. हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स होते हैं, जब वो हम अपने गोल्स को मीट करते हैं उस ट्रेनिंग के थ्रू तब जाके उस स्टूडेंट्स की सक्सेस क्रिएट होती है. तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट जो हम चेंज लेके आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, दैट इज वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ पार्ट टाइम और फुल टाइम बिजनेस ऑनलाइन जिससे उनकी कंसिस्टेंट इनकम स्टार्ट हो जाए. उसके लिए इट कैन बी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इट कैन बी ऑनलाइन स्टोर बिजनेस और इट कैन बी यू नो एनी अदर लाइक फ्रीलांसिंग बिजनेस. सेकेंडली हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू ग्रो देयर करंट बिजनेस. उनका अगर कोई करंट बिजनेस रन हो रहा है तो वी हेल्प देम टू ग्रो देयर सेल्स विद द हेल्प ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो ये होता है कि वी हेल्प एवरी स्टूडेंट to master every aspect of digital marketing jiski wajah se unke career mein unke business mein plethora of opportunities open ho jati hain. Now guys, ab sawal paida hota hai ki what is digital marketing. Humne ye to dekh liya ki digital marketing mein theek hai logo ki success stories create ho rahi hai, lekin digital marketing basically hai kya. Now I want to ask you guys, ab main aap logon se yahan pe puchta hu, jo jo log yahan pe maujood hain, guys mujhe yahan pe aap logon ne sab ne chat box mein likh ke batana hai ki digital marketing hoti kya hai aur
कोई भी अगर अपना माइक ओपन करना चाहता है तो यहाँ पे मुझे लिख दे कि प्लीज ओपन माई माइक और मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा और आप हम सबको बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, मैं किसी एक बंदे का माइक ओपन कर सकता हूँ, मैं सबका माइक ओपन नहीं कर सकता, तो किसी भी एक बंदे का माइक ओपन कर लूंगा, लेकिन सब ने मुझे चैट बॉक्स में यहाँ बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। कोई गलत और सही की परवाह करने की जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस दो सेंटेंस में हमें पता चलेगा आपने बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जस्ट नीड टू सी सम इंटरेक्शन फ्रॉम यू गाइस, इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे तभी मजा आएगा, ऐसे खामोश होकर आप लोग बैठ रहेंगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो आप सब लोगों ने यहाँ पे मुझे इंटरेक्शन शो करना है, मुझे बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मेरे पास माइक ओपन करने की रिक्वेस्ट आई है पहले मोहम्मद अब्दुल्ला की, तो मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, नीचे भी कुछ लोगों ने बोला है, सो अगर मोहम्मद अब्दुल्ला में यहाँ पे बता देते हैं तो दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन। मोहम्मद अब्दुल्ला, ओके अब्दुल्ला मैंने आपका माइक ओपन कर दिया है, आप अपने आपको अनम्यूट कर लें और यू कैन लेट अस नो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने बताना था कि डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन लेवल पर अपने आइटम्स की पब्लिशिंग करना, वालिद साहब की भी इसी तरह शॉप रही है तो मैंने ना उसकी भी इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की थी, तो मैं इसको यूं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ बाकी भी फेलो क्लासमेट्स और वेबिनार मेट्स के सामने कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी ब्रांच है मार्केटिंग की जो ज्यादा टेक्निकल होती है और कम होता भी नहीं कोई, और ऑनलाइन पब्लिसिटी ज्यादातर इनहेंस होती है इसके साथ अपने। ठीक हो गया, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया, थैंक यू अब्दुल्ला फॉर चाइमिंग इन, बिल्कुल सही बोला आपने। और लेट मी सी व्हाट अदर अटेंडीज आर सेइंग इन द चैट बॉक्स। So we have Faya saying social media marketing, ठीक है Faya, Bilal Raza बोलते हैं online business, Shakil Zahur बोलते हैं open mic, Shakil मैंने mic open एक का कर दिया है, सबके mic open करेंगे तो वहाँ पर time agenda खत्म हो जाएगा। आप यहीं पे chat box में लिख के हमें बताइए कि what is digital marketing। Bakas बोलते हैं internet advertising, ठीक हो गया। Tanveer Ahmed बोलते हैं using all tools of marketing as like TV, social media, ठीक हो गया। Mohammed Imran बोलते हैं marketing through internet, Google, social media, very good। मदिया बोलती है marketing, ठीक आगे क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वी हैव रॉबिन स्टीफन बोलते हैं मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन टू अनलिमिटेड कस्टमर्स, वेरी गुड। मारिया बोलती है डीएम डिजिटल मार्केटिंग इज स्किल टू रन एनी बिजनेस ऑनलाइन, ठीक हो गया। सनू दियल बोलते हैं सैम थिंक, ओके। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, काशिफ बोलते हैं कि मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, अहमद बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस, राहिल तारिक बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वेरी गुड। ऑन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज गाइस, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ऑफकोर्स मैं सबके रिस्पॉन्स नहीं पढ़ सकता, हंड्रेड्स ऑफ पीपल रजिस्टर्ड फॉर दिस क्लास, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इंटरेक्शन शो किया है और ज्यादातर लोगों ने सही बताया। लेट्स सी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हबस्पॉट जो है वो एक ऑथेंटिक प्लेस है डिजिटल मार्केटिंग में, और उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, दे से दैट मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। नाउ इसको अगर हम आसान अल्फाज में बोलें तो क्या होगा, एक आसान से अल्फाज में अगर हम बोलें डिजिटल मार्केटिंग क्या होगी, तो वो इस तरीके से कुछ होगी कि डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली कि आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन सबको यूज करते हैं किस लिए, सो दैट यू कैन रीच आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स, दैट इज इट। आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज आपके पोटेंशियल कस्टमर्स इनको यूज कर रहे हैं। जब वो इनको यूज कर रहे हैं तो आप उन तक रीच आउट कर सकते हैं अपने एड्स के थ्रू, अपनी प्रमोशंस के थ्रू, अपने कॉन्टेंट के थ्रू, अपनी वीडियोज के थ्रू, अपने पब्लिश्ड आर्टिकल्स के थ्रू, ताकि वो आपकी ब्रांड के साथ इंटरैक्ट हो और आपके ब्रांड से रिलेशनशिप उनकी बिल्ड हो, देन वो आपसे परचेज करें एंड ऑल द ई कॉमर्स स्टफ एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ दैट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ डिजिटल
marketing. That is, you know, what is digital marketing is. Iski bahut sari examples and the first and most notorious one is Facebook advertisements. ठीक है, Facebook advertisements. अब आप लोग सबसे important मैं आपको बताऊं, आप सब लोग इसकी example हो. Type in one. सब लोग one type करें जिन जिनने IDM Pakistan का कल परसों कोई ad देखा Facebook में और आप click करा और आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हो. Right? So type in one, guys. Kis kis ne advertisement dekhi? I'm getting a lot of responses. One. Everyone is saying one. Guys, that's the beauty of digital marketing. Right? That's the beauty of digital marketing. That's the beauty of what? Facebook ads. Aap sab logon ne Facebook ad mein click kiya aur aaj aap log yahan pe maujood ho. Right? That is just, you know, फिर आप लोगों को हमारी तरफ से मैसेंजर एड्स भी मिले. मैसेंजर में आपको रिमाइंडर मिला नहीं मिला? टाइप इन वन जिनको मैसेंजर में रिमाइंडर मिला, आपके फेसबुक मैसेंजर में आपको रिमाइंडर आया, वो कैसे आया? ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो डन बाय डिफरेंट टूल्स एंड थिंग्स. आपको वहां पे मैसेंजर रिमाइंडर आया, आपको ईमेल्स आ रहे हैं ऑटोमेटेड. All of these things, that's because of digital marketing. आप सब लोग जो यहाँ पे आए हो आज, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की जो है रिस्पॉन्स आए हो. राइट, तो आप लोगों को तो परसों से पहले तो आप लोग नहीं जानते थे ना IDM पाकिस्तान क्या होता है, लेकिन आप देखो कितना जल्दी यू नो आप लोगों ने IDM पाकिस्तान से इंटरेक्ट किया और आज आप लोग यहाँ पे क्लास में मौजूद हो. That's the beauty of digital marketing. तो सिर्फ Facebook ads की हमने बात करी. We have LinkedIn marketing, we have YouTube ads, we have Google ads, and all the other examples of digital marketing इस पे मौजूद हैं. Now guys, अभी हमारे पास बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं. मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि जो लोग आज की इस क्लास में हमारे साथ एंड तक रुकेंगे, उन सबको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. वो गिफ्ट इस पूरे वेबिनार से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज बस वो एक गाइड है जिसको यूज करते हुए आप एक ऑनलाइन स्टोर सक्सेसफुली पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हो. मेरा खुद भी ऑनलाइन स्टोर था, जिसकी वजह से मैंने वो पूरा क्राइटेरिया आपको दिया कि कैसे आप उससे स्टार्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो. अगर मैं भूल जाऊं वो गिफ्ट देना, तो गाइज ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाने से पहले मुझे प्लीज बताइएगा, ताकि मैं सब लोगों को वो गिफ्ट यहाँ पे मैं अटैच कर दूं. ओके गाइज, द नेक्स्ट थिंग इज हमने ये देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है. अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग? क्या सब लोगों के लिए? नहीं, सब लोगों के लिए नहीं है. ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए नहीं है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोग इन कैटेगरीज में फॉल करते हो, गुड है. नहीं करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए फिर नहीं है. जो जो लोग इसमें फॉल नहीं करते, फर्स्ट इज एवरी बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर. पहली कैटेगरी के वो लोग हैं. अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे ऑफलाइन है, कोई केयर नहीं करता, चाहे ऑफलाइन है ऑनलाइन है, डजंट मैटर. अगर आपका बिजनेस, आप बिजनेस ओनर है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, गाइस आपके लिए मस्ट है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें. अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की सेल्स को इतनी बढ़ाना चाहते हैं इंस्टेंटली कि आपको बंदे रखने पड़ जाएं सिर्फ ऑर्डर्स, यू नो, सिर्फ काउंट करने के लिए, आपको टेलीफोन सुनने के लिए आपको बंदे रखने पड़ जाएं उनकी सेल्स कॉल सुनने के लिए, अगर आप इस लेवल में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, देन आपको डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए लाजमी है. अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने फेसबुक का एड रन करूंगा, आप देखना एक घंटे के अंदर सेल्स जो है हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, न सिर्फ कि आपकी प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, बल्कि प्रोटेक्ट करो यार अपने बिजनेस को. आपके सारे कॉम्पेटिटर्स यूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग. गूगल में जाके अपने 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 प्रोडक्ट के बारे में सर्च करो, आपके सारे कॉम्पेटिटर्स टॉप में होंगे. यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स सब रन कर रहे हैं, तो वो आपको एक साल के अंदर वाइप आउट कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख रहे. सो फॉर बिजनेस ओनर्स इट्स अ मस्ट. सेकेंडली, एवरी पर्सन रिलेटेड टू मार्केटिंग और सेल्स फील्ड. अगर आप मार्केटिंग या सेल्स फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, बीकॉम किया हो, डजंट मैटर, अगर आप किसी भी तरीके से मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड हो, फील्ड से, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, अगर आपको अपने फील्ड में नेक्स्ट लेवल में जाना है, गाइस यू मस्ट नीड टू एक्वायर दी स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. क्यों? इसलिए ना कि मैं बोल रहा हूँ guys, इसलिए बिकॉज कंपनीज का मेजॉरिटी बजट डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड होता है.
ठीक है, और जाहिर सी बात है जब वो डिजिटल मार्केटिंग में जब उनका 80% बजट स्पेंड हो रहा है मार्केटिंग का, तो उनको कौन चाहिए? उनको वो मार्केटर्स चाहिए जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो, डिजिटल मार्केटिंग की हैंड्स ऑन स्किल्स हो। तो आपको अगर आगे जाना है इन अ मार्केटिंग फील्ड, इन अ सेल्स फील्ड, यू मस्ट एक्वायर द स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका पैशन है कि उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन यार मैं चाहता हूँ जिंदगी में कुछ बड़ा करना, मैं चाहता हूँ अपने लिए कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लूं कि मैं खुद अपना बॉस हूं, या मैं खुद अपनी एक वेंचर स्टार्ट करूं जिससे मैं 10-15-20 साल बाद जाके देखूं तो मुझे पता हो कि यार ये चीज मैंने बिल्ड करी, राइट। सो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का पैशन रखते हो, मैं इस कैटेगरी में फॉल करता था, मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था, 2011 की बात है, इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए किया है। 2011 में मुझे पैशन हुआ कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। जब हमारे अंदर पैशन आता है ना कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम क्या देखते हैं यार, सबसे पहले देखो मेरे पास पैसे कितने बैंक में, या हम ये देखते हैं या कोई पार्टनर ढूंढो जो मेरे साथ मिलकर ये स्टार्ट करे, या हम ये देखते हैं कि या कोई अच्छी लोकेशन में ना कोई दुकान शुकान ढूंढो कि मैं बस दुकान खोल दूं और मेरे पास जो ना लोग आने शुरू हो जाएं। गाइस, ये चीजें आपके बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बनाती, लेट मी टेल यू दैट। आपके बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज सक्सेसफुल बनाती है, वो है कस्टमर्स। अगर आपके बिजनेस में डे इन डे आउट लातादाद कस्टमर्स आ रहे हैं, आप कभी भी अपने बिजनेस को बंद नहीं करोगे। 9 में से 10 बिजनेस फेल होते हैं। Why? Because सेल्स नहीं होती, बिकॉज कस्टमर्स नहीं होते। आइडियाज सबके पास मौजूद है, मेरे पास 15 आइडियाज है, आप लोगों के पास भी, मैं अगर पूछूं सबके पास आइडियाज होंगे, लेकिन इट्स अबाउट द सेल्स। अगर सेल्स नहीं हो रही है तो बिजनेस बंद हो जाएगा 2 महीने। और डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा गारंटीड और फास्ट वे सेल्स जनरेट करने का आज तक ना इजाद हुआ है, ना करीब कोई, आई डोंट थिंक कोई इजाद होने वाला है। आप 1 घंटे के अंदर अपने बिजनेस में सेल्स स्टार्ट कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटिंग छोटी मोटी लेवल तक आती है। नाउ अगर मेरे पास कोई आइडिया आता है, आई नो कि यार मैं इस आइडिया को इंशाल्लाह सक्सेसफुल बना सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास स्किल्स है कस्टमर लाने के। सो अगर आपका पैशन है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एंड फोर्थ, एवरीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम ऑनलाइन, कोई शौक है कि आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम स्टार्ट करनी है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, देन फॉर यू डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट। नाउ गाइस, अब आप लोगों ने यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर है, टाइप इन ए। अगर आप मार्केटिंग सेल्स फील्ड से रिलेटेड है, टाइप इन बी। अगर आप पैशन रखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, टाइप इन सी। और अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइप इन डी। सो दैट मुझे भी यहाँ पे मालूम हो कि यार यहाँ पे कितने लोग इस किस कैटेगरी के मौजूद हैं, और आपको भी मालूम हो कि यार मेरे लिए है डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं इन कैटेगरीज में फॉल करता हूँ। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक मार्केटिंग सेल्स फील्ड से रिलेटेड हैं, या पैशन रखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, या पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो टाइप इन एनी ऑफ दोस कैटेगरीज। इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आपको आगे जाना है ना, यू मस्ट लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हमारे पास ज्यादातर लोग, बाय द वे, हमेशा संडे के दिन हमारे पास ज्यादातर लोग जो है वो बिजनेस ओनर्स होते हैं। आज भी हमारे पास ज्यादातर लोग ए हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, और आज हमारे पास ज्यादातर फिर पैशन जो बिजनेस स्टार्ट रखते हैं वो है पे कुछ मार्केटिंग सेल्स फील्ड से रिलेटेड है। गाइज, अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी यहाँ पे कोई भी कैटेगरी चूज करी है और आप सिंसियर हो अपने कैटेगरी में आगे जाने के लिए, अपने प्रोफेशन में आगे जाने के लिए, then remain till the end of this webinar, because that is exactly what we will be doing. हम यही चीज कह रहे होंगे कि आप अपने कैटेगरी में जो भी प्रोफेशन आप में, आप उसमें आगे कैसे जा सकते हो। अगर आप पैशन रखते हो, कैसे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप ये सीख जाओगे। आज आप ये भी सीख जाओगे कि एक बिजनेस ओनर हो तो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Stay till the end of this class. Now guys, हमने ये देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमने ये भी देख लिया किसको सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। Now the next question is कि क्यों सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। Guys, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, इज द फास्टेस्ट वे टू रीच कस्टमर्स। डिजिटल मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट वे टू रीच कस्टमर्स। अभी मैं आप लोगों के सामने एक फेसबुक एड बनाऊंगा, विद इन 1 आवर मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, मेरी वेबसाइट में सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी विद इन 1 आवर। आई मीन दैट्स द फास्टेस्ट वे टू रीच कस्टमर्स।
देन आपका हर फ्यूचर कस्टमर ऑनलाइन है. अगर आपको उनसे बिजनेस जनरेट करना है, अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है उन कस्टमर से, आपको यार उनको ऑनलाइन ग्रैब करना होगा, अपनी वेबसाइट में उनको लाना होगा, फनल में लाना होगा. कोई बाउंड्रीज नहीं है. आप पाकिस्तान के छोटे से छोटे शहर में बैठ के पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव है. आप मिलियंस ऑफ लोगों को रीच कर सकते हो विद फेसबुक एड्स, विद यूट्यूब एड्स, विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और क्या होगा जब आप मिलियंस ऑफ लोगों को रीच करोगे अपने एड्स के थ्रू? लाखों की सेल्स होंगी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हर चीज ट्रैक कर सकते हो. आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि यार आज इतवार के दिन 10 मार्च को मैंने फेसबुक में 10,000 रुपए एड्स रन किए, 10,000 रुपए के एड्स रन किए. आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि यार उन 10,000 की रिटर्न में मुझे 1,00,000 रुपए की सेल्स जनरेट हुई. तो आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि हर रुपया आपको कितना रिटर्न ला के दे रहा है. नाउ गाइस, हमने ये देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है. हमने ये भी देख लिया कि किसको सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, और हमने ये भी देख लिया कि क्यों सीखनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग. नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली लर्न द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. नाउ गाइस, पहले हम ये प्रोसेस को बनाएंगे, उसके बाद हम इस प्रोसेस को लाइव इंप्लीमेंट करके सीखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जाता है. नाउ गाइस, सबसे पहली चीज, आप जब अपने डिजिटल मार्केटिंग को शुरू करते हो, सबसे पहली चीज यू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट आपकी बिजनेस की बनी हुई है प्रॉपरली. लेकिन खाली वेबसाइट से कुछ भी नहीं होता, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी रेगिस्तान में जाके अपना बैनर गाड़ दें तो कोई भी नहीं देखेगा, राइट? आपको अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी होगी. फोन करते हैं लोग कि यार मेरी तो वेबसाइट बनी है, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग करी लेकिन सेल्स नहीं हो रही. भाई कैसे होंगी सेल्स? यार यू नीड टू मार्केट योर वेबसाइट, जब जाके सेल्स होंगी, राइट? नाउ अब मिसाल लेते हैं कि ये वेबसाइट है, लेट्स सपोज एक वेट लॉस कंसल्टेंट की, ठीक है? किसकी वेबसाइट है? एक वेट लॉस कंसल्टेंट की, यानी कि वो कंसल्टेंट्स जो लोगों की हेल्प करते हैं वजन कम करने में, जो लोगों की हेल्प करते हैं आइडियल शेप में आने के लिए. नाउ जब वो जो वेट लॉस कंसल्टेंट है वो अपनी वेबसाइट में क्या सेल करेगा? अपनी कंसल्टेशन बेचेगा. जाहिर सी बात है, उसकी वही सर्विस है ना, जो अपनी जो सर्विस है वो यहाँ पे सेल करेगा, 15,000-20,000 जितने की भी उसकी सर्विस है. नाउ उसको ये सर्विस जो है सेल करने के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स उसको लोग चाहिए जो उसकी वेबसाइट में आएंगे तब जाके उसकी कंसल्टेशन खरीदेंगे. लेकिन लोग उसको खाली लोग नहीं चाहिए, उसको वो टारगेटेड लोग चाहिए, टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए. यानी कि उसको किस किस्म के लोग चाहिए? उसको चाहिए फैट, ओबीस, ओवरवेट लोग, डाइट कॉन्शियस लोग. जब ये लोग इसकी वेबसाइट में आएंगे तब ही जाके उसकी कंसल्टेशन को बुक करेंगे कि यार वाकई में मेरा वजन जो है ना वाकई में बहुत बढ़ गया है और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक वेट लॉस कंसल्टेंट मुझे कंसल्टेशन के थ्रू मेरी हेल्प कर सकता है वजन कम करने में. कोई स्मार्ट अगर लोग इसकी वेबसाइट में आएंगे तो उसका पैसा ही जाया होगा, कुछ भी नहीं होगा. ना जब ये लोग उसकी वेबसाइट में आएंगे तब ही उसकी कंसल्टेशन को बुक करेंगे. अब ये लोग उसकी वेबसाइट में आएंगे कैसे? सवाल तो ये पैदा होता है. मिसाल के तौर पे आज संडे का दिन है, उस वेट लॉस कंसल्टेंट को इन लोगों को इस उसकी वेबसाइट में लेके आना, तो कैसे लेके आएगा? ये लोग कहाँ पे मौजूद होंगे आज संडे के दिन? जहर सी बात है यार, या तो हो सकता है गूगल में इस वक्त कुछ सर्च कर रहे हो. गूगल में क्या सर्च कर रहे होंगे? मे बी हाउ टू लूज वेट, बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर फैट लॉस. यार मैं डाइटिंग कर रहा हूं अभी और मुझे पता है कि मैं रोज ये चीजें सर्च करता हूँ गूगल में. मेरा तकरीबन 5-6 महीनों में तकरीबन 15-18 किलो वजन कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मुझे पता है कि मैं रोज जो है गूगल में सर्च करता हूँ हाउ टू लूज फैट, हाउ टू लूज बेली फैट, बेस्ट एक्सरसाइजेस, बिकॉज मैं बिल्कुल टारगेट ऑडियंस में उस वेट लॉस कंसल्टेंट की, ऑनेस्टली. देन ये लोग यूट्यूब में, इस वक्त आज संडे का दिन है तो हो सकता है कि कोई कोई ड्रामा की रिकॉर्डिंग देख रहा हो सकता है, कोई प्रैंक वीडियो देख रहा हो सकता है, कोई डाइट के हवाले से कोई वीडियो देख रहा हो, राइट? और ये लोग ये भी देख रहे होंगे, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे होंगे कि यार देखिए हमारे दोस्त जो हैं वो वीकेंड में क्या कर रहे हैं, वीकेंड में क्या प्लान्स बना रहे हैं, मैसेंजर में बात कर रहे होंगे, राइट? यहीं पे होंगे, इसके अलावा और कहीं पे नहीं हो सकते. ना अब वो वेट लॉस कंसल्टेंट क्या करेगा इन लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए? सर इसी बात है, वो गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में अपनी एडवर्टाइजमेंट्स रन करेगा. जब वो ये लोग उस एडवर्टाइजमेंट्स को देखेंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में, तो जाहिर सी बात है क्लिक करके उसकी वेबसाइट में आ जाएंगे. सिंपल प्रोसेस, राइट? नाउ जब ये लोग उसकी वेबसाइट में आएंगे
तो पूरा सेल्स प्रोसेस अनफोल्ड होगा, पूरा एक सेल्स फनल जिसको हम बोलते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज में, एक मार्केटिंग लैंग्वेज में बाय द वे, तो एक पूरा सेल्स प्रोसेस अनफोल्ड होगा। वो पूरा सेल्स प्रोसेस हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे वो क्या सेल्स प्रोसेस है। बाय द टाइम ये लोग जब उस सेल्स प्रोसेस से होके गुजरेंगे, these people, certain percentage of these people will become actual clients of that weight loss consultant, right? Now, इसको अगर मैं linear format में लिखूं तो क्या बोलूंगा? People, you know, come to your website and buy your stuff, right? Now, इसको अगर हम digital marketing की language में convert करें तो क्या होगा? People का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है, traffic, ठीक है? Traffic, targeted traffic. जब ये लोग वेबसाइट में जाएंगे तो जहर सी बात है वो उनको कन्वर्ट करेगा इनटू लीड्स, ठीक है? आप उनको कन्वर्ट करेंगे लीड्स में, और फिर लीड्स को फिर हम कन्वर्ट करेंगे सेल्स में। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस क्या बना? TLS, ट्रैफिक, लीड्स एंड सेल्स, राइट? दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है जी। नाउ अब ट्रैफिक का मतलब क्या है कि यार लोगों को मुझे अपनी वेबसाइट में लाना है। अब लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार मैं लोगों को अपनी वेबसाइट में लाऊं कैसे, मतलब कि मैं क्या करूं कि मेरी वेबसाइट में लोग आए। मेरी वेबसाइट में तो पिछले दो महीने से सिर्फ दो ही लोग आए, एक मैं और मेरा एक दोस्त, वही लोग आए जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई भी नहीं आ रहा। तो कैसे मैं लोगों को अपनी वेबसाइट में लेके आऊं? गाइस देयर आर लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। द मोस्ट नोटोरियस वंस आर फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स तो यू नो इज द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ। देन वी हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन वी हैव इंस्टाग्राम मार्केटिंग, देन वी हैव यूट्यूब एड्स, देन वी हैव डिस्प्ले एड्स। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं फेसबुक एड्स की, ठीक है? मैं अपनी जो पहले हम एग्जांपल ले रहे थे वेट लॉस कंसल्टेंट की, उसको मैं चेंज करूंगा और आप लोग ये समझो कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है लेडीज पर्सेस का, लेडीज हैंडबैग्स का, और मैं अपनी जो स्टॉक है, जो लेडीज हैंडबैग्स है, उनको मैं सेल करना चाहता हूँ यूजिंग फेसबुक एड्स। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका नाम है कैनवा, ठीक है? कैनवा को मैं यूज करूंगा, और कैनवा को मैं इसलिए यूज करूंगा बिकॉज मुझे सबसे पहले फेसबुक एड को डिजाइन करना है, ठीक है? टेक्स्ट तो नहीं है ना, वहां पे आपको डिजाइन करना होगा, कोई ना कोई इमेज आपको डालनी होगी या वीडियो डालनी होगी, राइट? तो ये एक फ्री टूल है जिसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं फेसबुक एड लिखूं तो ये मेरे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा प्रॉपर डायमेंशन के साथ। आई एम द वर्स्ट डिजाइनर, ऑफकोर्स मैं डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन आई कैन डू समथिंग फॉर यू गाइस ओवर हियर। यहाँ पे कोई चीज मैं कर सकता हूँ। So if I have, you know, ये मेरे पास ये background मौजूद है, ये मैं background choose कर लेता हूँ, ठीक हो गया? यहाँ पे background आ गया। Let's suppose कि ये वो bag है जो मुझे sell करना है Facebook ads के through। इसको मैंने थोड़ा सा stretch किया, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया, और मैं यहाँ पे कुछ text add कर लेता हूँ। It's very very simple, बहुत ही आसान ये tool है जिसको use कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ imported handbag ₹1999, ठीक है जी? इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ और मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स मेक इट 32, ठीक है? लुक्स नाइस। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, 10th कर लेता हूँ मैं, 11th क्लास, ठीक है? डाउनलोड, डाउनलोड, ठीक हो गया ना? ये डाउनलोड हो गई मेरे पास, अब ये फाइल इमेज जो है वो डाउनलोड होके मेरे पास सेव होगी यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जहर सी बात है इस इमेज को मुझे एड रन करना है एज अ प्रमोशन। तो मैं जाऊंगा अपने किसी भी फेसबुक के एड मैनेजर में, ये एक हमारा एड मैनेजर है ना गाइस। अब ये एड मैनेजर की प्रॉपर ट्रेनिंग तकरीबन 25-30 घंटे की होती है, लेकिन हमारे पास तो अभी 3 घंटे भी नहीं है, तो अभी हम ये सारी चीजें नहीं देख सकते। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक बेसिक चीज उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये चूज किया, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये कैंपेन का नाम है, ये आपके रेफरेंस के लिए होता है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे टॉप में यहाँ पे आपको ये बोलता है कि आप कस्टम ऑडियंसेस के बारे में, ऑफ कोर्स इसको हम लीव अभी छोड़ देंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लोकेशंस में हम आते हैं, लोकेशंस में लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को टारगेट करता हूँ, कराची एंड देन इस्लामाबाद, ओके, एंड रावलपिंडी एंड लाहौर, ठीक है? ये 4 बड़े शहर हो गए पाकिस्तान के जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं अपने एड के थ्रू। एज ब्रैकेट लेट्स सपोज मैं चूज करता हूँ कि मैं अपना एड दिखाऊंगा 22 टू
52 के درمیان لوگوں کو. اچھا اب میں جینڈر میں کیا چوز کروں گا؟ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو ایڈ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی بنایا ہے, یہ والا ایڈ, یہ میں میلز کو دکھاؤں, یہ میں فیمیلز کو دکھاؤں, یا میں دونوں کو یہ ایڈ دکھاؤں؟ یس گائز, یہ جو ایڈ ہے میں فیمیلز کو دکھاؤں, میں میلز کو دکھاؤں, یا میں سب لوگوں کو یہ ایڈ اپنا دکھاؤں؟ یس گائز. Okay, I'm getting responses, female, females, all, female or all. ٹھیک ہو گیا. Guys, definitely, یہی دو choices ہیں. لیکن, to be on the safe side, I would definitely choose females. The reason is, کہ females جو ہیں وہ impulse میں خریدیں گی, they are the direct consumers, and I would choose females. Now guys, اب یہ دیکھو, کہ اب میں اپنے ایڈ کے تھرو 3.1 million females کو reach کر سکتا ہوں. اس میں میلز نہیں ہیں, یہ خالی 3.1 ملین فیمیلز ہیں جو پاکستان کے چار بڑے شہروں میں رہتی ہیں اور جو 22 ٹو 52 کی ایج بریکٹ میں فال کرتی ہیں. کتنی؟ 3.1 ملین فیمیلز. اب میں نیچے آؤں, میں اس میں اور نیرو ہو سکتا ہوں ٹارگیٹنگ میں, ڈیفینیٹلی پلیسمنٹس وغیرہ چوز کر سکتا ہوں. بجٹ میں لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ یار میں شروع میں صرف $5 پر ڈے اسپینڈ کروں گا. اب آپ لوگ بولو گے یار یہ تو خرچہ ہو رہا ہے. یہ خرچہ نہیں ہو رہا گائز, اٹس این انویسٹمنٹ. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کیا ہے, بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کریں یا اور کچھ جگہوں میں انویسٹ کریں, میوچل فنڈس میں ہم پیسے ڈالیں, کوئی بینک کا سیونگس اکاؤنٹ ہو. یو نو فار می دا بیسٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹی از فیس بک ایڈز, بیکاز آپ اگر یہاں پہ $5 ڈالو گے ان لوگوں کو اپنا ایڈ دکھانے کے لیے, سرٹن پرسنٹیج آف دیز پیپل, ان لوگوں کو اپنا ایڈ دکھانے کے لیے, تو کیا ہوگا؟ آپ کی ظاہر سی بات ہے اگر پروڈکٹ اچھی ہے, ویب سائٹ اچھی ہے, ایڈ اچھا ہے, سیلس پروسیس اچھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے $5 کے بدلے آپ کی 4,000 روپے کی سیلس ہوں گی, رائٹ؟ امیجن کہ آپ کا کیا ریٹرن ہوگا صرف $5 ڈالنے میں, رائٹ؟ اینڈ دین اس کے بعد میں کنٹینیو پریس کرتا ہوں, اینڈ دین اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے ایڈ بنایا تھا وہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں, اپلوڈ امیجز میں جا کے 11th کلاس یہ والا ایڈ تھا, یہ میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا. میں یہاں پہ ٹیکسٹ ڈال سکتا ہوں, یہاں پہ میں بٹنز ڈال سکتا ہوں, دنیا جہاں کی جو چیز چاہوں میں یہاں پہ فینسی سٹف کر سکتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں کروں گا کہ میں ایڈ رن کر رہا ہوں گا. نہ دیکھو یہ ایڈ اب آپ کا رن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اپنے پیج کے حوالے سے, پیج کا جو آپ کا نام ہوگا اس کے حوالے سے. ناؤ اب اگر میں یہاں پہ کنفرم کا بٹن پریس کرتا ہوں تو ابھی ہو رہے ہیں 3:40 ہو رہے ہیں تقریباً, ٹھیک ہے؟ اب یہ ود ان آور سے 4 بجے تک یہ ویب یہ ایڈ جو ہے یہ اپروو بھی ہو جائے گا اور میری ویب سائٹ میں وہ فیمیلز اس ایڈ کو کلک کر کے میری ویب سائٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اگر میں نے یہاں پہ واٹس ایپ کا بٹن ڈالا ہوا ہے تو میرے واٹس ایپ پہ میسجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ بک مائی آرڈر, پلیس مائی آرڈر, مجھے اس بیگ کے اندر کی پکچر دکھائیں, اس کا مٹیریل بتائیں, اس کا ویٹ بتائیں, اس کا ڈائمینشن بتائیں, اور ود ان 1 گھنٹے میں یار میری ویب سائٹ میں سیلز, میری سیلز اسٹارٹ ہو جائیں گی. That's the beauty of digital marketing. 1 ghante ke andar aap paise kamana shuru kar dete ho with the help of digital marketing. Now imagine abhi to hum sirf aur sirf Facebook ads ko use kar rahe hain. Imagine jab aap SEO kar rahe ho properly. Imagine jab aap Instagram marketing kar rahe ho. Imagine jab aap YouTube ads run kar rahe ho. Imagine jab aap display ads run kar rahe ho. Aapki sales soar ho jati hain. This level mein aapki sales ho jati hain ki you know sometimes you don't believe literally the numbers. اگر آپ پراپرلی سب کچھ کر رہے ہو تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کیسے لوگوں کو اپنی ویب سائٹ میں لائے اور ایک سستی سی ہم نے پروڈکٹ 2000 روپے کی ہم نے سیل کرنا دیکھی کہ کیسے ہم سیل کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر پروڈکٹ مہنگی ہو, جس طرح پچھلی ایگزامپل ہم نے لی تھی ایک ویٹ لاس کنسلٹنٹ کی, ویٹ لاس کنسلٹنٹ اپنی کنسلٹیشن کتنے کی سیل کرتا ہے؟ 15,000 روپے کی کنسلٹیشن ہوتی ہیں, 20,000 روپے کی کنسلٹیشن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اتنی مہنگی پروڈکٹ ہے تو کیا خالی ایڈ دیکھ کے اگر لوگ جائیں گے تو خرید لیں گے؟ آف کورس نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دوسرے پروسیس میں آتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, دیٹ از لیڈز. پھر ہم جنریٹ کرتے ہیں لیڈز. لیڈز جنریٹ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانی ہوگی, کریڈیبلٹی بنانی ہوگی, بانڈنگ کریٹ کرنی ہوگی, تبھی وہ جا کے ہم سے ایک مہنگی چیز خریدیں گے, ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہ ویٹ لاس کنسلٹنٹ کیسے لیڈ جنریٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں یہاں پہ ایک وائٹ بورڈ اوپن کروں گا تاکہ ہم پراپرلی اس کو دیکھ سکیں.
हमने ये देखा कि ये आपकी मिसाल के तौर पे पूरी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, कुछ भी पोटेंशियल कस्टमर्स आप नंबर ले सकते हो, 3 मिलियन 4 मिलियन जो भी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं उस वेट लॉस कंसल्टेंट के। जब वो वेट लॉस कंसल्टेंट इन लोगों को अपना फेसबुक का एड दिखाएगा, ठीक है, जब ये लोग उसके फेसबुक का एड देखेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके एड को क्लिक करके ये लोग उसकी वेबसाइट के खास पेज पे जाएंगे, गौर से सुनिएगा, उसकी वेबसाइट के खास पेज पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। अच्छा, इस लैंडिंग पेज में वो वेट लॉस कंसल्टेंट कोई चीज फ्री में ऑफर कर रहा होता है, ये चीज गौर से सुनिएगा, वो कोई चीज फ्री में ऑफर कर रहा होता है बिकॉज वो उनसे नीचे उसी पेज में अपने पोटेंशियल ऑडियंस से जो लोग इस पेज में आए हैं उनसे उनका नाम और उनका ईमेल एड्रेस मांगेगा इन एक्सचेंज ऑफ दिस फ्री ऑफर। आपको ये फ्री ऑफर चाहिए, यू हैव टू गिव मी योर नेम एंड ईमेल एड्रेस एंड देन मैं आपको ये फ्री ऑफर आपको दे दूंगा। नाउ गाइस, अब आप मुझे बताइए वो वेट लॉस कंसल्टेंट क्या चीज है जो फ्री में ऑफर कर सकता है, वो क्या चीज है जो फ्री में ऑफर कर सकता है जिस जो कि वैल्यूएबल भी हो, जिसको डिलीवर करने में टाइम भी ना लगे और जिसको जिसको डिलीवर करने में पैसे भी ना लगे, टाइम भी ना लगे, पैसे भी ना लगे और वैल्यूएबल भी हो। यस गाइस, वो वेट लॉस कंसल्टेंट क्या चीज ऑफर कर सकता है जिसको डिलीवर करने में उसके टाइम भी ना लगे, उसका पैसा भी ना लगे और वैल्यूएबल भी, ऐसा ना हो कि खाली बोल दिया कि यार ये लो जाके यूट्यूब की वीडियो देखो, नो वन विल गिव यू द नेम एंड ईमेल एड्रेस फॉर दैट बेकार सा फ्री ऑफर, यू हैव टू गिव देम समथिंग ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है। क्या कर सकता है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट, ठीक हो गया तारिक। अच्छा, हमारे पास बिलाल बोलते हैं प्रिलिमिनरी डाइट प्लान, ठीक हो गया। रॉबिन स्टीफन बोलते हैं वेरी गुड, डाइट प्लान इज वेरी गुड बाय द वे, इन फैक्ट इट्स आई वुड से इज आइडियल। रॉबिन स्टीफन बोलते हैं डाइटरी प्लान वन पेजर, ठीक है, डिलीवरी फ्री, मैं समझा नहीं चीज। मोहम्मद अब्दुल्ला बोलते हैं फ्री ट्रायल, ठीक है। नीलम बोलती है मे बी इट्स एडवाइस एंड डाइट प्रोग्राम, ठीक है। मदीहा बोलती है डाइट प्लान, फाया बोलती है फ्री गाइड, ठीक है। काशिफ बोलते हैं वेट लॉस सर्विस, ठीक है। शकील जबूर बोलते हैं गाइड, ठीक हो गया, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डाइट प्लान और गाइड्स वगैरह, वेरी गुड गाइस, डाइट प्लान इज अमेजिंग, इज आइडियल बिकॉज एक बहुत वैल्यूएबल चीज है डाइट प्लान। वैसे आपको 4,000, 3,000, 5,000 रुपए के डॉक्टर्स आपको बना के देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपको बना के देते हैं, लेकिन अगर कोई आपको वो वेट लॉस कंसल्टेंट फ्री में आपको दे रहा है दैट मीन्स कि एक वैल्यूएबल चीज है और वो बार बार उसको नहीं बना रहा होगा, एक पब्लिकली उसने एक बना दिया है और उसके अगेंस्ट वो लोगों के नाम और ईमेल ले सकता है। अब वो जहर सी बात है जब लोग उसको अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे तो ये लोग उस वेट लॉस कंसल्टेंट के लिए अब क्या बन चुके हैं, अब बन चुके हैं लीड्स। अब देखो इन लोगों का नाम और ईमेल एड्रेस उस वेट लॉस कंसल्टेंट के पास आ चुका है, ऑल्दो के सेल नहीं हुई, ऑल्दो के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, लेकिन नाम और ईमेल आ गया। अब वो उनसे रिलेशनशिप बना सकता है, बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकता है। कैसे कर सकता है उसके ऊपर हम अभी आने वाले हैं। वो करेगा अपने थर्ड प्रोसेस में डिजिटल मार्केटिंग के, दैट इज सेल्स। अब वो यहाँ पे जनरेट करेगा सेल्स। उसके लिए ये जो तीसरा प्रोसेस है, हमने टी देख लिया ट्रैफिक, लोगों को हम वेबसाइट में ले आए, हमने वेबसाइट में लाने के बाद उनकी लीड भी जनरेट कर दी फ्री ऑफर देने के बाद, अब उनको हमें कन्वर्ट करना है इनटू सेल्स, इनटू एक्चुअल कस्टमर्स। नाउ गाइस, अब वो क्या करेगा, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसको जूम आउट करूंगा और मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बनाऊंगा सो दैट वी कैन एक्चुअली वर्क ओवर हियर। यहाँ पे मैंने अब क्या करेगा और से देखिएगा, अब देखें जब ये लोग अपना नाम और ईमेल डालेंगे और सबमिट का ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो जहर सी बात है नेक्स्ट पेज में ये लोग रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये लोग रीडायरेक्ट होंगे। और नेक्स्ट पेज अगर ये डिजिटल मार्केटर नहीं होता वो वेट लॉस कंसल्टेंट, तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है अमूमन यही होता है ना कि थैंक यू वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, यही होता है ना। नाउ लेकिन क्योंकि वो डिजिटल मार्केटर है, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो शुरू में मेंशन करेगा, गौर से देखिएगा, शुरू में मेंशन करेगा कि हे थैंक यू सो मच
फॉर योर सबमिशन फॉर योर रिक्वेस्ट. और आपका जो डाइट प्लान है वो आपके ईमेल में सेंड हो चुका है, ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू. अगेन वो सारा एक लंबा प्रोसेस है. ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू आपके डाइट प्लान आपको ईमेल कर दिया गया है. लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट है तो मैंने आप गौर से सुनेगा जो मैं बोल रहा हूँ. नीचे यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे ये हेडलाइन होगी. क्या होगी? हेडलाइन. हेडलाइन में यहाँ पे वो लिख रहा होगा कि अगर आपके पास 10 मिनट है तो मैं आपसे अपनी एक सीक्रेट एक्सरसाइज शेयर करना चाहता हूं, जिसको करके बगैर डाइटिंग के आप एक महीने के अंदर 5 किलो वजन कम कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं ये करना तो नीचे दिए गए वीडियो में क्लिक करें और सीखें कि कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे जो वीडियो होगी, लेट्स सपोज ये 15 मिनट्स की वीडियो है, शुरू के 10 मिनट वो अपनी डाइट को बता रहा होगा, सीक्रेट एक्सरसाइज के बारे में बता रहा होगा, और आखिरी के 5 मिनट में वो अपनी कंसल्टेशन सेल करेगा. आखिरी के 5 मिनट में वो अपनी कंसल्टेशन सेल करेगा. नाउ जहर सी बात है, अब होगा क्या, अब ये होगा, अब आप गौर से देखिए कि अगर 100 लोगों ने यहाँ पे उसको अपना नाम और ईमेल एड्रेस दिया तो जहर सी बात है यहाँ पे भी 100 लोग आए, ठीक है. अब जब यहाँ पे 100 लोग आए तो इसकी वीडियो देखने के बाद शायद शायद 2 लोग कन्वर्ट हो गए इनटू एक्चुअल क्लाइंट्स. हो सकता है 2 लोगों ने वीडियो देखी और कन्विंस हो गया कि यार नहीं, वाकई में ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है मेरा वजन कम करने के लिए. लेकिन बाकी के जो 98 लोग थे जो कि वजन कम करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने वीडियो देखी लेकिन चले गए. क्यों चले गए? सवाल तो ये पैदा होता है, इसके रीजन क्या है. रीजन नंबर 1 ये है कि यार ट्रस्ट नहीं है. मैं 20,000 रुपए नहीं दे रहा भाई किसी को जब तक कि मुझे यकीन नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं कर सकता, वो मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है. रीजन नंबर 2, मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं इसका पहला क्लाइंट हूं, मुझे तो आज तक मैं इसको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, मैं कैसे दे दूं उसको 20,000 रुपए, हो सकता है लेके भाग ही ना जाए. रीजन नंबर 3 क्या होगा, यार मे बी ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये तो बस उठा के इसने वीडियो डाल दी, मुझे क्या पता इसके बारे में ये लोग भी इससे फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, राइट. या ये भी हो सकता है कि यार अभी मेरा सैलरी नहीं आई है, मैं अगले महीने ट्राई करूंगा, राइट. ये सारे रीजंस हो सकते हैं. अब वो वेट लॉस कंसल्टेंट क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा. अब क्या होगा कि ये जो लोग 98 लोग चले गए, ज्यादातर चंक तो चला गया ना, ठीक है, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, ज्यादातर लोग चले गए. जो लोग चले गए ये लोग, लेट्स सपोज आज इतवार का दिन है, ठीक है, ये लोग इतवार के दिन वीडियो देखी और चले गए. अगले दिन ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है रीटारगेटिंग का. क्या कॉन्सेप्ट होता है? रीटारगेटिंग का, जिसको मैं खाली आरटी यहां पे लिखूंगा. वो रीटारगेटिंग के थ्रू अगले दिन अब क्या होगा, इन 98 लोगों को जब ये लोग अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे अगले दिन, सिर्फ इन 98 लोगों को, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू. ये पूरा एक चीज होती है जो आप लोग सीखते हो. अगले दिन इन लोगों को एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रन होती हुई मिलेगी टॉप में फेसबुक की न्यूज फीड में, और ये उसी वेट लॉस कंसल्टेंट की वीडियो होगी जिसमें वो अपने किसी पुराने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा होगा, पुराने क्लाइंट के साथ उसका इंटरव्यू ले रहा होगा, उससे पूछ रहा होगा कि आपको मेरे साथ कितना फायदा हुआ, कितने वजन में आप यहाँ पे आए थे और आज आपका कितना वजन है, वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा होगा वो क्लाइंट उसका, ठीक है. उससे जब ये लोग इसको देखेंगे तो जहर सी बात है थोड़ी बहुत एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, यार मैं वाकई में पहला बंदा नहीं हूं और भी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं. लेकिन यार पता नहीं ये ऐसे ही होगा, नहीं खरीदा फिर भी, यहाँ पे बाय नाउ का था लेकिन नहीं खरीदा. अगले दिन मंगल के दिन जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी पूरी देख ली, उन लोगों को ही दूसरी वीडियो मिलेगी इसकी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसमें वो अपने किसी दूसरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा होगा. उससे अगले दिन जो लोग इसको देखेंगे, हो सकता है कि वो वेट लॉस कंसल्टेंट खुद अपनी वीडियो यहाँ पे बना के उनके साथ कोई टिप्स, कोई गाइड्स, कोई शेयर कर रहा होगा अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए. ये पूरा प्रोसेस चलेगा. साथ साथ यहाँ पे उनके ईमेल भी लिए गए थे, साथ साथ ये ईमेल ऑटोमेशंस ईए भी रन हो रही होंगी, हर रोज उनको ऑटोमेटेड ईमेल जा रहे होंगे जिससे उनको कोई वैल्यू डिलीवर हो रही होगी. कोई ना कोई फ्री पीडीएफ भेज रहा होगा, कोई गाइड भेज रहा होगा, कस्टमर की टेस्टिमोनियल्स भेज रहा होगा, अपने पुराने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज भेज रहा होगा, ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है. इवेंचुअली क्या होगा कि विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर इनमें से भी 6-8 लोग और आके कन्वर्ट हो जाएंगे.
के. अगर ये बंदा यहाँ पे छोड़ देता तो क्या होता कि सिर्फ एक दो लोग कन्वर्ट होते, बाकी लोग चले जाते. लेकिन क्योंकि इसने, इसको प्रॉपर आती थी डिजिटल मार्केटिंग, इसने पूरा प्रोसेस अपनाया जिसकी वजह से ये लोग कन्वर्ट हुए. नाउ गाइस, ये प्रोसेस विदाउट एक्सेप्शन हर बिजनेस में वर्क करता है. इसका रीजन ये है कि ये साइकोलॉजी में काम करता है. ये कोई वो नहीं है कि आज काम करेगा कल नहीं करेगा. ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है. आप अगर कोई चीज नहीं खरीदती, यही कुछ वजहें होती हैं, इसके अलावा और कोई वजह नहीं होती, राइट? और इन चीजों को कॉन्कर करने के लिए क्या दिखाना होता है? सोशल प्रूफ कि यार आप अकेले नहीं हो, ये 2000 लोग और भी हमारे पास आए थे, हमसे फायदा उठा के जा चुके हैं, इनकी देखो ये वीडियोस हैं. गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो चीज आप देखो कितना सिस्टमैटिकली एक अनजान बंदे को हमने फेसबुक का एड दिखाया, उसने जब एड को क्लिक किया, हमने उसका नाम और ईमेल भी ले लिया एक फ्री में चीज ऑफर करके, फिर हमने उसको नेक्स्ट पेज में कोई चीज बेचने की कोशिश करी, नहीं बिका, वो चला गया. उसके बाद हमने उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करी मुख्तलिफ रीटारगेटिंग के एड्स और ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू, और फाइनली हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू अ पेइंग क्लाइंट. लोग अमूमन क्या करते हैं, एड रन करो, वेबसाइट के होम पेज में भेजो, और फिर कहते हैं सेल्स नहीं होती. नहीं होती इस तरह सेल्स भाई. ऑफ कोर्स कैसे होंगी सेल्स अगर आप एक महंगा आइटम बेच रहे हो? कभी भी नहीं होंगी, राइट? यू हैव टू फॉलो द होल डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस. इसके अंदर कोई तकरीबन 3000 चीजें हो रही होती हैं, जिसको मैंने अभी आई थिंक आधे घंटे में आपको बताया. लेकिन विदाउट एक्सेप्शन आपने अगर ये अपने बिजनेस में जितनी तरक्की 10 साल में की है, अगर आप ये प्रोसेस कर लो, आप उससे ज्यादा तरक्की एक साल के अंदर अपने बिजनेस में आप कर सकते हो. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, यार मेरे पास तो अभी कोई बिजनेस है नहीं, मैं समझ गया कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को मैं दिन दुगनी रात चुगनी कर सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, या मैं अपने बिजनेस के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करना चाहता हूँ, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? यस, यू डेफिनेटली कैन डू दैट. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नंबर 1 मिलती है, दैट इज कि आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं. गाइस, मेरा एक ऑनलाइन स्टोर होता था 2014 में, हमने उस पे काम किया था 2014 और 15 में. गाइस, लेडीज हैंडबैग्स का ऑनलाइन स्टोर था, लाखों 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 रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल्स जनरेट करी डेली के बेसिस में. और जो है, मैं आप लोगों के साथ वो क्राइटेरिया शेयर करना चाहता हूँ. ये क्राइटेरिया आपको कहीं पे भी यूट्यूब में और किताब में और बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा अपना क्राइटेरिया है. एंड आई लर्न इट फ्रॉम नेटिग्रिटी डिटेल्स, अपने मार्केट में काम करके प्रॉपरली सीख के यार कैसे सेल्स जनरेट करी जाती है, कैसे एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर बनाया जाता है. मैं आप लोगों के साथ वो सारा क्राइटेरिया शेयर करने वाला हूं, और मैं सुपर एक्साइटेड हूं. मैं एनर्जेटिक हूं, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से यहां पे कितने लोग एनर्जेटिक हैं, कितने लोग वैल्यू ले रहे हैं. इफ यू आर गेटिंग वैल्यू, इफ यू आर एनर्जेटिक, टाइप इन 1 इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे मालूम हो कि यार यहां पे खाली मैं एनर्जेटिक नहीं हूं, बल्कि यहां पे जो लोग हैं वो लोग भी वैल्यू हासिल कर रहे हैं. यहां पे जो लोग हैं वो लोग भी दे आर गेटिंग वैल्यू, दे आर एनर्जेटिक, दे आर गेटिंग good stuff out of this class. So please tap in 1 in the chat box, because aapke hi feedback se aur aapke hi energy se mujhe energy milti hai. And let me tell you one thing guys, these things change lives. Digital marketing literally can change life. Aur isme koi sugar coat main nahi kar raha, meri khud life change hui alhamdulillah. Maine zindagi mein kabhi ek din ki salary nahi li, theek hai? Because mujhe digital marketing aati thi. Jab aap digital marketing seekhte ho, aapke wo opportunities hoti hain ki yaar agar ye cheez nahi work kari, koi issue nahi hai, mere paas wo skill hai as a digital marketer. Aap logo ke paas bhi ho jayega ki yaar main business mein sales generate kar sakta hu, customers la sakta hu. That is the end of everything. Koi business start karo, sales la sakte ho, you are gold. Okay guys, I'm getting a lot of ones, thank you. Now, what is an online store? Online store होता क्या है? Guys, it's very simple. अब कोई भी website जिसमें आप कोई चीज sell कर रहे हैं online, जैसे कि ये website है, समझे कि ladies handbags sell हो रहे हैं, ये ladies handbags का क्या है? Online store है. Similarly, daraz.bk is also an online store. Similarly, goto.com.bk जो सबने देखा है, that is also an online store. Online stores का और online business का सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि आप सोते हुए पैसे कमाते हैं. बिकॉज आप 10, 11, 12 बजे आप सो जाएंगे, लेकिन आपका फेसबुक का एड, आपका जो है यूट्यूब का एड हर वक्त चलेगा, आपकी वेबसाइट 24/7 एक्टिव है. लोग आपके एड को देख के आपकी वेबसाइट में आएंगे, रात को भी परचेस करेंगे, सुबह भी परचेस करेंगे, सुबह सो के उठेंगे आप, तो आपके पास ऑलरेडी सेल्स हुई भी होंगी. नाउ ये सब चीजों करने का, ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक
आपको जो है एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है. अब प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करने का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यह है कि प्रॉफिट पर सेल जो है 800 रुपए से ज्यादा हो. ठीक है, कॉमन एक चीज है, प्रॉफिट पर सेल 800 रुपए से ज्यादा हो, वेट ऑफ प्रोडक्ट 2 kg से कम हो, पोटेंशियल कस्टमर साइज मिलियंस में हो, और वो जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हो वो सोर्स हो सके पाकिस्तान से या अपने शहर से ही कम रेट्स में. और ये चारों क्राइटेरिया कौन सी प्रोडक्ट्स में फॉल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है यहाँ पे, जैसे कि लेडीज हैंडबैग्स हो गए 800-900 रुपए के मिलते हैं, 1800-2000 रुपए के आप सेल कर सकते हो, वॉचेस हो गई, वी हैव आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है ये बहुत जबरदस्त आइटम है, और मेंस की एक्सेसरीज हो गई, वी हैव फुटवेयर, ये सारी चीजें आपकी इस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं. देन जब आप एक चीज फाइंड कर लो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मैं लेडीज हैंडबैग्स के ऊपर जाता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट फाइंड कर ली, आपने ये देखना है कि यार क्या ये चीज ऑनलाइन बिक रही है. इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करना होगा, टेस्ट आपको ये करना होगा, अब यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ढूंढनी होगी, ऑनलाइन स्टोर ढूंढना होगा जो कि लेडीज हैंडबैग सेल करता है, या कोई भी प्रोडक्ट ढूंढो जो भी आपकी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट प्रॉपरली प्राइमरली सेल करता है. जैसे मुझे पता है कि ये लोग लेडीज हैंडबैग्स सेल करते हैं, तो मैं इनकी वेबसाइट में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेडीज के हैंडबैग्स मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये लोग सेल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हो सकता है ये खाली यू नो तस्वीरें लगी हुई है, मुझे क्या पता है सेल्स हो रही नहीं, तो मैं इनके फेसबुक पेज में जाऊंगा. जब मैं यहाँ फेसबुक पेज में जाऊंगा तो आप ये देखो यहाँ पे सी मोर का एक आइकन आता है. ठीक है, यहाँ पे सी मोर का एक आइकन आता है. सी मोर के आइकन जब यहाँ पे आता है तो आप ये देखो यहाँ पे इन्फो एंड एड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको अब आप क्लिक करो. जब आप इसमें क्लिक करोगे तो अब जो आपको ये पोस्ट नजर आएंगे ये ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं है, सॉरी अब जो आपको ये पोस्ट नजर आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें ये बंदा पैसे डाल रहा है, ये फेसबुक एड्स रन हो रहे हैं इसके ऊपर. और कॉमन सेंस क्या बोलती है यार, अगर आप जो है कॉमन सेंस ये बोलती है कि अगर कोई बंदा कोई चीज प्रमोट करने में पैसे खर्च कर रहा है, कोई चीज प्रमोट करने में यू नो पैसे खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सेल्स जनरेट कर रहा है. कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है जो पैसे खर्च कर रहा हो और उसको सेल्स नहीं मिल रही. अभी देखो ये सारे इसके एड्स जो है, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर, सारे इसके एड्स यहाँ पे पेड एड्स हो रहे हैं. यहाँ पे देखो कितने एड्स रन कर रहे हैं, हजारों हजारों लाखों रुपए की एड्स रन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाखों की सेल्स जनरेट कर रहा है. कॉमन सेंस अगर एड्स रन हो रहे हैं सेल्स हो रही हैं, अगर सेल्स हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर कोई दूसरा बंदा सेल्स कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं. अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूंगा, मैं फेसबुक एड्स रन कर लूं. स्टेप नंबर 3 क्या है, अब आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है होलसेल मार्केट से. इसका क्राइटेरिया सिंपल सा है, नेवर बाय फ्रॉम अ रिटेलर, कॉमन सेंस है. ऑलवेज ट्राई टू यूज द सेम होलसेलर, कोशिश करें सेम होलसेलर से ही अपनी चीज लें, बिकॉज आपकी उससे रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपको बाद में स्टॉक क्रेडिट में देगा, उधार में देगा. बाय ओनली फ्यू डिजाइंस एट फर्स्ट, शुरू में सिर्फ चंद आइटम खरीदें होलसेलर से, और वही आइटम खरीदें जिसकी होलसेलर के पास बैक में क्वांटिटी हो. स्टेप नंबर 4, अपना पेज बनाए फेसबुक में और अपना ऑनलाइन स्टोर बनाए, अपनी वेबसाइट बनाए. और स्टेप नंबर 5, रन फेसबुक एड्स. गाइस आप अगर जितनी भी अच्छी आपकी प्रोडक्ट हो और अगर आप एड्स रन नहीं करोगे फेसबुक में, आपकी सेल्स नहीं होंगी, कंसिस्टेंटली नहीं होंगी. हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट बहुत बड़ा हो तो आपने अपने घर में यू नो सबको बता दिया और सबने एक बार खरीद लिया, फिर खत्म हो जाएंगी सेल्स, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो सकती जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक एड्स रन नहीं करोगे. एड्स का क्राइटेरिया क्या है, बूस्टिंग इज जस्ट 1% ऑफ फेसबुक एड्स. बूस्टिंग जो है वो फेसबुक एड्स का सिर्फ 1%. अगर आप खाली बूस्टिंग कर रहे हो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लॉन्ग टर्म. ठीक है, क्रिएट एन एल्बम ऑफ इमेजेस ऑन फेसबुक, रन पेज पोस्ट एंगेजमेंट एड्स, रन कन्वर्जन एड्स, रन रीटारगेटिंग एड्स, ये सारे मिक्स करके आप एड्स रन करोगे तब जाके आपकी सेल जनरेट होती है. नाउ अगर आप ये प्रॉपरली काम करते हो और आप प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है तो आप कितनी आइडियली एक इनकम जनरेट कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि 800 रुपए का प्रॉफिट है. ठीक है, हर सेल में, और मिसाल के तौर पे हर 200 रुपए जो आप फेसबुक एड्स में डाल रहे हो आपको एक सेल ला के दे रहा है. हर 200 रुपए जो आप फेसबुक एड्स में डाल रहे हो आपको एक सेल वहां से मिल रही है. ये 300 भी हो सकते हैं, ये 100 भी हो सकते हैं, ये 400 भी हो सकते हैं.
ठीक है, डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट और मार्केट कैसी है। अगर अब नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 800 में से 200 माइनस करो, 600 नेट प्रॉफिट हो गया। अगर आप दिन के 1000 रुपए के एड्स रन कर रहे हो तो कितनी सेल्स होंगी फिर, अगर 200 रुपए में एक सेल हो रही है, जाहिर सी बात है 5 सेल्स होंगी, 5 को 600 से मल्टीप्लाई करो, दिन के आप 3000 कमा रहे हो, महीने के 90,000 रुपए आप कमा रहे हो। अब अगर आप दिन के 1000 रुपए के एड्स के बजाय अगर दिन के 2000 रुपए के एड्स रन करो तो क्या होगा, 5 के बजाय 10 सेल्स होगी, दिन के आप 6000 रुपए कमाओगे और महीने के आप 1,80,000 रुपए कमा रहे हो। गाइज ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, 10 सेल्स तो आपकी नो वैसे ही हो जाती है नॉर्मली लिटरली, ठीक है। लेकिन यू नो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करो, यू कैन मेक 20 सेल्स, 30 सेल्स, एंड यू नो आपकी कितनी इनकम हो सकती है, यू कैन गो मच बियॉन्ड दैट। अपॉर्चुनिटी 2 आपको मिलती है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। गाइस मैंने अपना करियर एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट किया था 2011 में, और मुझे जो मैंने जिस चीज से स्टार्ट किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना है एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट में दूसरों की प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो और हर सेल में आपको कमीशन दिया जाता है। आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आपकी अपनी कस्टमर सपोर्ट भी नहीं होती, आपकी अपनी शिपिंग भी नहीं होती, आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे डाल के उसको प्रमोट कर रहे हो तो हर सेल में आप कमीशन ले रहे हो, कमीशन आप ले रहे हो, दैट इज इट। मिसाल के तौर पे मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था एक प्रोडक्ट होती है, उस वक्त बहुत मशहूर होती थी, अभी बहुत मशहूर है, यूके में बहुत मशहूर है ये, जिसका नाम है Fen 375। ठीक है, ये Fen 375 जो है ये एक प्रोडक्ट है जो कि वेट लॉस पिल है। ठीक है, अच्छा बहुत मशहूर ये प्रोडक्ट है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी आ चुकी है, अगर मैं पाकिस्तान लिखूं तो आप देखोगे दराज में मिल रही है, मेरे ख्याल 7-8 हजार रुपए की होती है, महंगी है लेकिन बहुत मशहूर ये वेट लॉस पिल है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार लोग इसको खरीदते हैं, मशहूर है, मैंने एक वेबसाइट इसके बारे में बनाई, एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन किया मोरनीश के नाम से, और मैंने अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड में और कुछ और मुख्तलिफ कीवर्ड्स में रैंक किया, यानी कि कोई बंदा भी अगर बाय Fen 375 लिखे google.com में तो मेरी वेबसाइट टॉप में आए। ये मैंने क्या किया हुआ था, एसईओ किया हुआ था, यानी कि 5,90,000 वेबसाइट्स में से मेरी वेबसाइट टॉप में आए। मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये आ रही है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तब ये देखो ये जो वेबसाइट खुली है ये एफिलिएट वेबसाइट है, ये किसी वेंडर की वेबसाइट नहीं है, राइट, ये एफिलिएट वेबसाइट है। अब ये देखो ये यहाँ पे मैंने पढ़ा और मैं कन्विंस हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, सिर्फ क्लिक किया, खरीदा नहीं, सिर्फ क्लिक किया और मैंने वेंडर की वेबसाइट में जाके खरीद लिया। इस बंदे को बगैर कुछ करे $40-50-60 का कमीशन इसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको एक लंबा चौड़ा इसका करिकुलम होता है 16-18 घंटे का, भी मैं हमारे सब एक घंटा भी आधा घंटा भी नहीं है। सो अगेन That is one of the best lucrative opportunities. Opportunity number 3 आपको मिलती है कि आप blogging start कर सकते हो। अगर लिखने का शौक है, writing का flair है, तो आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है कि आप blogging करके अपनी income भी आप improve कर सकते हो और अपने business की credibility भी आप बढ़ा सकते हो। Opportunity number 4 मिलती है कि आप freelancing कर सकते हो। Guys, freelancing is huge in 2019, especially right now. Freelancing is huge. The reason is कि हर किसी को sales चाहिए, हर business owner को sales चाहिए, और अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो सेल जनरेट करने में सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू, तो आप उनसे अच्छी खासी मंथली जो है फीस चार्ज कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया करने के 1.5 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं। मैं खुद भी करता था लिटरली 2014-13 की बात है, जब मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कंसल्टेंसी करता था, मैं पाकिस्तानी क्लाइंट से 1 लाख रुपए पर अपफ्रंट और 40,000 रुपए पर मंथ चार्ज करता था। बाहर के क्लाइंट्स मुझे ऐसे भी थे जो 2 लाख पर महीना मुझे पे करते थे फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और आप भी कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जाए। नाउ गाइस, अब सारी बात यह है कि हमने जो भी देखा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप न सिर्फ एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बल्कि आप पार्ट टाइम अपने बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन स्टोर, चाहे फ्रीलांसिंग, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। सो फॉर दैट कि हम ये कैसे बने, फॉर दैट IDM Pakistan provides Pakistan's most advanced 5 months digital marketing training program. आपको यहाँ पे IDM Pakistan में 5 months का, 5 महीने का digital marketing training program करवाया जाता है।
Now guys, मैं आपको यहाँ पे explain करूँगा थोड़ी सी program की details कि इसमें क्या क्या है, लेकिन I want to remind you this thing कि जो लोग इस class की end तक रुकेंगे उन सब को मेरी तरफ से एक free PDF guide मिलेगी जिससे वो सीख सकेंगे properly कि आप एक successful online store कैसे start कर सकते हैं। मतलब 20-25 पेज की वो guide है जो आप लोगों को दी जाएगी। Again, अगर मैं भूल जाऊँ तो please remind me again in the end of the class। Now guys, इस training program में 5 months के training program में आपको 16 modules करवाए जाते हैं total A to Z digital marketing cover करवाने के लिए। 16 modules कौन से होते हैं? Digital marketing overview, module 2 website planning and creation, module 3 search engine optimization, Google analytics, Google ads, lead generation, social media marketing, making money from online stores, making money from blogging, app store optimization, email marketing automation, making money from affiliate marketing, making money from freelancing, display advertising, sales funnels and online ads strategy. Now guys, I will give you brief introduction. मैं आपको इन 16 modules का briefly introduction दूंगा कि कौन trainer होगा, क्या duration होगा और क्या आपको इसमें एक थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या आपको इसमें करवाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू आपका फर्स्ट मॉड्यूल होगा, 2 घंटे का क्लास होगी, 1 सेशन होगा। हामिद जुल्फिकार अली आपके ट्रेनर होंगे, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे जाके दूंगा। इसमें जो आपकी एक ही क्लास होगी और इसमें आपको, बिकॉज हमारे पास हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिजाइन, एचआर, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, हर जगह से लोग आते हैं, तो हर किसी को सेम पेज में लाने के लिए, सबकी फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस परफेक्ट करने के लिए आपको ये मॉड्यूल करवाया जाता है। मॉड्यूल नंबर 2 वेबसाइट क्रिएशन, 16 घंटे का मॉड्यूल है, 8 क्लासेस होती हैं, हामिज आपको ये करवाते हैं। इसके अंदर न सिर्फ आपको वेबसाइट सिखाई जाती है बल्कि हर बंदा अपनी अपनी वेबसाइट बना रहा होता है, हर बंदा अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा होता है। नाउ अगेन गाइस, आई वांट टू रिपीट दिस कि ये जो ट्रेनिंग है ये लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ऑनलाइन सेशंस के थ्रू कंडक्ट होती है। तो हर लाइव सेशन के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप नेक्स्ट क्लास से पहले उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो और बाय द टाइम यू कंप्लीट द असाइनमेंट्स आप रियलाइज करते हो मैंने असाइनमेंट्स की अपनी वेबसाइट तो ऑलरेडी बन चुकी है, राइट? उसके लिए कोई कोडिंग, कोई डेवलपमेंट की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल नंबर 3 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 24 घंटे का मॉड्यूल है, 12 क्लासेस होती हैं, बासित रहमान आपको करवाते हैं। इसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट में गूगल में टॉप रैंकिंग्स में कैसे आ सकते हो। कोई भी आपका कस्टमर अगर सर्च करे गूगल में आपकी बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी, तो आप कैसे टॉप में आप नजर आओ, तो ये पूरा इस मॉड्यूल में आपको ऑन पेज ऐसी ऑफ पेज ऐसी आपको यहाँ पे करवाया जाता है। गूगल एनालिटिक्स मॉड्यूल नंबर 4, गाइस डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डाटा, आप डाटा पढ़ के आप इंप्रूव करते हो कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे कौन सी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो ये कराया जाता है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। 4 जो है वो आवर्स की क्लास होती है, 2 क्लासेस होती है, 5 से 7 आपको करवाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग 30 घंटे की क्लासेस होती है, 15 सेशंस इसमें होते हैं और समीर सलीम आपको ये करवाते हैं। इसमें फेसबुक एड्स प्राइमरली आपको करवाया जाता है और डिटेल में, न सिर्फ ये कि कैसे बटन्स दबाना है और क्या करना है, बल्कि हर चीज सिखाने के बाद आपको उसकी स्ट्रेटजी और केस स्टडी सब चीज आपको उसमें करवाई जाती है, बहुत इनडेप्थ मॉड्यूल है। देन ई कॉमर्स मार्केटिंग आपको ये बताया जाता है कि आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 8 घंटे का मॉड्यूल है, 4 क्लासेस होती है, समीर सलीम आपको करवाते हैं लॉजिस्टिक्स और वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर की ई-कॉमर्स वेबसाइट और कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। मोबाइल मार्केटिंग ASO 4 घंटे का मॉड्यूल है, 2 क्लासेस होती है, इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप एक मोबाइल ऐप को कैसे गूगल प्ले स्टोर में और iOS में कैसे आप टॉप में रैंक कर सकते हो। ब्लॉगिंग एंड एडसेंस जो हमने देखा था अपॉर्चुनिटी नंबर 3 थी कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, कैसे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कर सकते हो, ये भी आपको समीर सलीम करवाते हैं। 4 घंटे की क्लासेस, 2 क्लासेस आपकी होती है। Then online ads strategy, guys, this is very important. आपको social media marketing जब करवाया जाता है तो आपको समीर सलीम ये नहीं बताते कि क्या बटन सेलेक्ट करना है खाली और कैसे करना है, बल्कि आपको हर ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के थ्रू कराया जाता है, लाइव एड अकाउंट्स में करवाया जाता है, लाइव कैंपेन्स में दिखाया जाता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स की कैंपेन्स रन हो रही होती है, बिकॉज ये बंदा सारी कैंपेन्स, सारे बड़े ब्रांड्स की कैंपेन्स को मैनेज करते हैं, ये आपको दिखाते हैं कि यार ये हमने किया, ये रिजल्ट हमें मिला, ये स्ट्रेटेजी हमने करी थी, आपको ये करना है तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी करनी होगी, और आपको बजटिंग और कॉन्टेंट कैलेंडर, ये सारी चीजें आपको करवाई जाती है। देन मॉड्यूल नंबर 10 गूगल एड्स, 18 घंटे का मॉड्यूल है, 9 क्लासेस होती है, साई मुस्तफा आपको कराते हैं गूगल के सर्च एड्स, गूगल के रीटारगेटिंग, गूगल में यूट्यूब एड्स, ये सारी चीजें आपको इसमें करवाई जाती हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, आप जैसे OLX में जाते हो, साइड में बैनर्स लगते हैं, वो कैसे लगते हैं, वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के थ्रू गूगल से लगते हैं,
तो वो आपको इसमें सिखाया जाता है। लीड जनरेशन हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, 4 घंटे का मॉड्यूल, 2 क्लासेस साइन मुस्तफा और समीर के मॉड्यूल में, दोनों में ये करवाया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग 16 घंटे का मॉड्यूल है, 8 क्लासेस होती है। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 थी जिससे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और दिस वॉज दी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी। और इसमें आप मुझे तो इनफैक्ट प्रोफेशनली तो कोई सिखाने वाला नहीं था, ऑफकोर्स प्रोफेशनली ऑल्दो मुझे सिखाया एक साहब ने जो कि साहिवाल में होता है, सुपर सुपर यू नो obliged to that person, लेकिन एक professionally जो है वो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे सलीम हरार आपको सिखाएंगे affiliate marketing, then freelancing आपको करवाया जाएगा, हामिज आपको freelancing करवाएंगे, फिर मैं आपको email marketing और sales funnels की module करवाऊंगा। Now guys अब सवाल ही पैदा होता है कि हमारे जो trainers हैं उनका profile, so guys सबसे पहले हामिज जुल्फिकार अली, इनकी majority जो इनका जो career है वो training में ही रहा है और इनके जो expertise हैं, इनकी एक्सपर्टीज है सिर्फ 2 चीजों में, वर्डप्रेस में और फ्रीलांसिंग में। आईडीएम पाकिस्तान में आपको वही ट्रेनर मिलता है जो उस चीज का एक्सपर्ट हो, यानी कि मैं चाहूं तो मैं सारे मॉड्यूल्स खुद भी करा सकता हूं लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं हर चीज का, यू नो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आईडीएम पाकिस्तान। आपको यहां पे हामिद सिर्फ आपको वर्डप्रेस, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग आपको करवाएंगे। समीर सलीम इज द मोस्ट नोटोरियस पर्सन इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जुबली इंश्योरेंस, डैन पार्क, हश पपीज और ये सारे ब्रांड्स जो हैं, इन सब की कैंपेन्स ये रन कर रहे होते हैं और यही आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कराएंगे। मल्टीपल करोड़ रुपीज ये फेसबुक एड्स में मैनेज कर चुके हैं। साइम मुस्तफा ये दराज.pk में गूगल एड्स के हेड होते थे, जहां पे ये 5 करोड़ पर मंथ का बजट मैनेज करते थे और अब ये डिजिटल मार्केटिंग के हेड है GoTo.com.pk में और यही आपको गूगल एड्स करवाएंगे। बासित रहमान भी हेड ऑफ एसईओ होते थे दराज में, अब ये एक एजेंसी भी रन करते हैं और ये एक्सपर्ट है एसईओ के और यही आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे। सलीम हरार एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट है, विद इन द फ्लो के नाम से इनकी वेबसाइट है और यही आपको एफिलिएट मार्केटिंग करवाएंगे। और मैं आई एम द फाउंडर ऑफ आईडीएम पाकिस्तान, आई विल बी यू नो टीचिंग यू ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड सेल्स फनल्स। ओके, सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये कोर्स किया उनकी लाइफ में चेंज क्या आया, उनकी लाइफ में बेहतरी क्या आई, सवाल तो ये है ना सारा। तो गाइस ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पे दर्जनों फीडबैक्स दिखा सकता हूँ वीडियो, लेकिन अगेन आपके पास भी टाइम नहीं है, द पॉइंट इज कि हम सबका टाइम इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सिर्फ एक फीडबैक वीडियो फीडबैक दिखाऊंगा जो भी, उसको भी मैं ये तकरीबन 6-7 मिनट का फीडबैक है, मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट शुरू किया और आखिरी का 2 मिनट दिखाऊंगा। बासित अमीन हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं, जब इन्होंने कोर्स हमारा ट्रेनिंग हमारी ज्वाइन करी तो उस वक्त इनका एक ऑफलाइन बिजनेस था लेडीज कुर्तीज का, लेडीज अपैरल का, ठीक है। उस ऑफलाइन बिजनेस को ये चाहते थे कि यार मैं कैसे इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर लूं, कैसे एक ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स ब्रांड बना लूं कि मेरी ऑनलाइन सेल्स हो। इन्होंने बहुत ट्राई किया, फेसबुक एड्स इन्होंने रन करे, नहीं रिस्पॉन्स मिला। कोर्स करने के बाद अब ये माशाल्लाह लाखों रुपए के फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं मल्टीपल एड अकाउंट्स में। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बासित अमीन एंड आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर एट सेलेटिक्स। सेलेटिक्स जो है वो एक लेडीज क्लोथिंग स्टोर है, सॉरी लेडीज क्लोथिंग ब्रांड है, हम कराची में ऑपरेट कर रहे हैं। बिजनेस जो है वो थोड़ा होलसेल था, मुझे उसको एक डिजिटली इसकी एग्जिस्टेंस चाहिए थी। ऑनलाइन मेरा पैशन था, ई कॉमर्स पैशन था, तो उसको मैं स्ट्रगल कर रहा था कि किस तरह ही होलसेल बिजनेस को इसमें से कुछ निकाल के एक ऑनलाइन स्टोर में इसको क्रिएट करूँ, एक डिजिटली इसकी एग्जिस्टेंस हो। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, ट्रेनिंग ढूंढ रहा था कि कहाँ जाके ट्रेनिंग लूँ, क्या करूँ बिजनेस के साथ साथ, तो आईडिया सामने आया मेरे कोर्स, जिसमें जो आई कैचिंग सबसे ज्यादा कि मैं अपने काम के साथ ये कोर्स कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने इंटरेस्ट लिया कि चलो ये ऑनलाइन कोर्स है और बड़ा फ्लेक्सिबल है। तो जब मैंने इसकी वेबसाइट में डिटेल्स देखी, शुएब भाई का इंट्रोडक्शन मिला जो कि ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और सीईओ है आईडीएम के। बाकी ट्रेनर्स के बारे में मैंने पढ़ा, सर हामिश के बारे में, सर समीर के बारे में, सर इरफान के बारे में, तो वो सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पर भी अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार अगर इनसे हर फील्ड हर प्लेटफॉर्म का एक एक्सपर्ट से अगर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो मुझे खुद ही इनसाइट्स पता लग जाएंगी कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। तो मैंने शुएब भाई से कॉल पर भी मशवरा किया, ईमेल से भी कोऑर्डिनेशन मिली, तो इंडियन मैं डिसाइड किया मैं कोर्स करता हूँ और अपने काम के साथ साथ स्ट्रगल के साथ साथ सीखता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है ना। जब मैंने कोर्स शुरू किया तो मुझे बहुत बेनिफिट्स हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बेनिफिट्स हैं। और फिर मैंने सोचा, मतलब मैंने शुक्र किया कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इसके ड्यूरेशन में ऐसा था कि जैसे कोर्स से पहले मैं जब एड्स चलाता था या पोस्ट कैंसिल करता था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि अब मैंने एड्स, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 40-50 की भी एड्स चला दी मैंने, तो मैं कंफ्यूज था कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, ग्रिप में कैसे आना है।
जैसे कहा है कि आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल की बात करते हैं, सर समीन ने मुझे बताया और उन्होंने काफी इंडस्ट्रीज की इनसाइट दिखाई कि इस तरह कैलेंडर्स कैंसिल होते हैं एडवांस में, इससे हम मीडिया प्लानिंग होती है, इससे हम मीडियम बाइंग होती है, तो अब मैं लाखों की एड्स जा रहा हूँ अलहमदुल्ला और मेरे फिंगर टिप्स पे कि कस्टमर क्या एड्स जा रही है और क्या नहीं, और लिटरली लाखों की एड्स चल रही हैं ब्रेक है तो, और जो भी ये रिव्यू देख वीडियो रिव्यूज देख रहे हैं तो दिस इज अ ट्रू रिव्यू, क्योंकि ये मैं लैपटॉप खोल के और अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ और रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है गाइडियन की वो इट्स अ ट्रू रिव्यू, और आप लोग मतलब विदाउट एनी डाउट आप लोग ये ज्वाइन करें कोर्स, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल करना है, अगर आपकी बेस कोई बेसिक्स है नहीं है वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको स्क्रैच से इसमें सिखाया जाता है और प्रैक्टिकली हाँ ये है कि आपने जो सीखना है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो आप पे डिपेंड करता है, तो जो मैं सीखता रहा वो मैं अप्लाई जितना मैंने किया उतना मुझे बेनिफिट होता रहा, जो मैंने सिर्फ लेक्चर लिया और बिना अप्लाई नहीं किया उसका बेनिफिट मुझे रहता है, जो कि मैं रिवाइज करके करूँगा क्योंकि लाइफ टाइम सपोर्ट है और लाइफ टाइम लेक्चर्स हैं, तो गुड लक टू शुएब भाई एंड ऑल द टीम एंड सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग यू। दैट वाज बासित अमीन। नाउ गाइस सवाल ये पैदा होता है कि कोर्स की फीस कितनी है, 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी फीस कितनी है? सो गाइस हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं they're all very highly paid digital marketers and unke jo clients hai wo unko pay karte hain 50,000 or more for their services, to agar aap hamare trainers ko individually approach karoge aur unko you know hire karenge to they will charge you 30,000 50,000 1 lakh aur aapko total 2-3 lakh rupees mahine ka pay karna pad jayega agar aapko in heroes se in top digital marketers se aapne seekhna hai which is not affordable, so what we did was we created a very simple fee structure, humne ek simple sa fee structure banaya for all the students, so for complete 5 months डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी क्लासेस लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जिसकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, इसकी कोर्स फी है 65,000 रुपीस फॉर कंप्लीट कोर्स, 65,000 इसकी कोर्स फीस है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये नहीं पे कर सकता, अगर मैं 65,000 रुपीस जो कि कोर्स की फी है वो नहीं पे कर सकता, ऑल्दो कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, ऑल्दो कि मुझे पता है कि मैं अगर कर लूं मैं अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं 65,000 नहीं पे कर सकता, सो फॉर दैट वी गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी कि अगर आप 65,000 नहीं पे कर सकते यू कैन पे द फी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, लाइक आप 22,500 पर मंथ करके 3 मंथ्स तक आप इस तरीके से अपनी फीस को आप अदा कर सकते हैं। सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज आपको इस लिंक में जाना है idmpakistan.pk/enroll जो कि मैंने आपके चैट बॉक्स में भी सब लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चैट बॉक्स में भी आपको इस लिंक में जाना है, यहाँ पे जाके आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म चूज करेंगे, चाहे फुल फी का चाहे 3 इंस्टॉलमेंट्स का, आप फॉर्म फिल करेंगे, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आप कॉल रिसीव करके कंफर्मेशन देंगे, आपको इनवॉइस सेंड की जाएगी, आईडीएम पाकिस्तान के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में आप इनवॉइस को पे करेंगे। 15 मार्च से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस आपकी हफ्ते में 3-4 दिन क्लासेस होती हैं, वीकडेज भी आपके होते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शाम को 7:30 से 9:30 और कुछ मॉड्यूल्स आपके सैटरडे संडे को भी होते हैं 2-5 PM ठीक है गाइस, और क्लासेस का जो आपका एलएमएस अकाउंट है वो आपको 15 मार्च से पहले आपको मिल जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंट। गाइस अगर कोई क्लास आप मिस कर दें तो कोई इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती बिकॉज हर क्लास लाइव होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है बैक एंड में, और अगले दिन LMS अकाउंट में उस क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है, तो अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो कोई इशू नहीं है बिकॉज अगले दिन आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो गाइस अगर आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं या एक वाइडली प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर इंडस्ट्री माना चाहते हैं, एनरोल राइट नाउ। अगर आप आज एनरोल कराएंगे आपको बोनस नंबर 1 मिलेगा, दैट इज मनी बैक गारंटी। आप फर्स्ट क्लास लें नहीं समझ आती, सेकंड लाइव क्लास से पहले आप अपनी फीस को रिफंड मांग सकते हैं और हम आपको 2000 रुपए ऊपर से भी देंगे, यानी कि आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी और ऊपर से भी आपको 2000 रुपए देंगे कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया। सो अगर आप किसी वजह से भी खुश नहीं हुए या आप सिर्फ ट्राई करना चाहते थे, आप सिर्फ हमें सेकंड लाइव क्लास से पहले बता दें, हम आपकी 100% फीस को रिफंड कर देंगे और आपका जो है ये भी आपसे नहीं पूछेंगे कि आप रिफंड क्यों मांग रहे हैं। सो गाइस अगर आप आज एनरोल कराएंगे 15 मार्च के बैच के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल रहा है, आपको बेस्ट मनी बैक गारंटी मिल रही है, आपको बोनस नंबर 2 भी मिलेगा, दैट इज
लाइसेंस टूल्स दिए जाएंगे आपको, 62,258 रुपीस के लाइसेंस टूल्स आपको दिए जाएंगे। ये पेड टूल्स है, ये कोई फ्री वर्जन और ट्रायल वर्जन नहीं है, दीज आर पेड टूल्स और दुनिया के सबसे बेस्ट टूल्स आई है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आपको मार्केटिंग गिमिक करने के लिए अपनी, दुनिया के बेस्ट टूल्स आपको दिए जाएंगे जिसमें दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और बेस्ट वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज बिल्डर्स मौजूद है, ईमेल मार्केटिंग के प्लगइन्स एंड टूल्स मौजूद है, 80+ वर्डप्रेस के थीम्स लाइसेंस कीज के साथ मौजूद है और बहुत सारे प्लगइन्स एंड टूल्स आपके डिस्पोजल में मौजूद है। अगर आप आज इनरोल कराएंगे 15 मार्च के बैच के लिए आपको क्या मिल रहा है, आपको 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल रहा है, आपको बेस्ट मनी बैक गारंटी मिल रही है और आपको 62,258 वर्थ के पेड लाइसेंस टूल्स भी मिल रहे हैं और आपको बोनस नंबर 3 भी मिलेगा, दैट इज एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगी आपको ट्रेनर्स की भी और आपको हमारे आईडीएम पाकिस्तान के स्टाफ की भी। सो गाइस आपको जो है एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगी, यानी कि कोर्स के दौरान भी आपको सपोर्ट मिलेगी, कोर्स के बाद भी आपको एक्सटेंशन मिलेगी सपोर्ट की, जिसमें आपको हामिज आपको सपोर्ट करेंगे वर्डप्रेस में, आपको सपोर्ट मिलेगी समीर की सोशल मीडिया मार्केटिंग में, साइम की सपोर्ट मिलेगी आपको गूगल एड्स में, बासित की सपोर्ट मिलेगी एसईओ में, मेरी और सलीम एरार की भी आपको सपोर्ट मिलेगी। सो गाइस अगर आप आज एनरोल कराएंगे 15 मार्च के बैच में आपको क्या मिल रहा है, आपको 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल रहा है, आपको बेस्ट मनी बैक गारंटी मिल रही है, आपको 62,258 वर्ड के पेड लाइसेंस टूल्स मिल रहे हैं और आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड मेंटरशिप मिल रही है ऑफ ऑल द ट्रेनर्स एंड आपको बोनस नंबर 4 भी मिलेगा, दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको हमारे प्रोग्राम में, दैट इज डिजिटल गो अहेड का हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको कोर्स के बाद आपको गारंटीड इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा जो आपने सीखा है। सो गाइज अगर आप आज एनरोल करवा रहे हैं आपको क्या मिल रहा है, आपको 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल रहा है, बेस्ट मनी बैक गारंटी मिल रही है, 62,215 वर्थ के पेड लाइसेंस टूल्स मिल रहे हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप एंड सपोर्ट मिल रही है एंड आपको गारंटीड इंटर्नशिप मिल रही है फ्रॉम डिजिटल गो अहेड एंड आपको बोनस 5 मिलेगा, दैट इज सर्टिफिकेशंस। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आईडीएम पाकिस्तान का जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा और आपको टीसीएस किया जाएगा, 5 गूगल एड्स की सर्टिफिकेट्स की ट्रेनिंग प्रिपरेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी। इन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गूगल के सर्टिफिकेट्स को क्लियर कर लेते हैं। सिमिलरली आपको फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन की भी ट्रेनिंग प्रिपरेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप आज इनरोल करवाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मंथ्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, आपको बेस्ट मनी बैक गारंटी, आपको 62,000 के पेड वर्थ लाइसेंस टूल्स मिल रहे हैं, आपको मेंटरशिप मिल रही है ट्रेनर्स की, आपको इंटर्नशिप्स मिल रही हैं और आपको 100% प्रिपरेशन मिल रही है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड गूगल एंड फेसबुक सर्टिफिकेट्स की एंड आपको बोनस 6 भी मिलेगा। तो आपको गूगल एड्स के मॉड्यूल करवाने के बाद आपको कैंपेन्स रन करने के लिए आपको हम लाइव बजट भी देंगे, आपको ट्रेनर आपको डिसाइड करेंगे और आपको लाइव बजट भी देंगे। सो गाइस देयर इज अ ह्यूज वार्निंग, हमारी जो एनरोलमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 होती हैं एक बैच की एंड वी ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज हमारे जो एनरोलमेंट्स हैं वो फुल हो जाती हैं। सो नाउ इज द टाइम, अगर आप अपने 2019 को बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं, एनरोल राइट नाउ। आपने ये पूरी प्रेजेंटेशन वॉच कर ली है और आपको पता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, it can change your life, it can help you to start a profitable online store, it can help you to start a profitable freelancing career, it can help you to start a profitable affiliate marketing business, or it can help you to start get a great job in Pakistan in digital marketing industry. Guys, take advantage of this course, take advantage of the free tools, take advantage of the certificates, take advantage of the internship program and take advantage of the money back guarantee. Now there is no reason for you to not start learning digital marketing. Agar aap kisi wajah se bhi khush nahi hue, second live class se pehle hame bata dein, hum aapki 100% fees ko aapko refund kar denge. So guys, this is the link for enrollment. Ab main aap logon ke questions lunga, so that okay, so I'm getting a lot guys, ab aap logon ke questions pe lunga. My question is whether tools and unlimited license even if the course is, Shakeel sahab ka question hai ki tools unlimited license hai. Ji Shakeel sahab, tools aapko unlimited aapka license hai, aap apni websites ke liye bhi usme use kar sakte hain aur apne clients ke liye bhi use kar sakte hain, aapko lifetime license diya jayega, aapke course ke baad ye tools aapse nahi liye jayenge. Tools Tanveer Rehman poochte hain, tools for how much time, lifetime ke liye aapko diye jayenge ye tools. Fazal Rehman bolte hain 8 PM is Isha time, prayer break hogi. Guys aap apne trainer se request kar sakte hain, wo aapko ek 5 minute ka 10 minute ka aapko gap de denge aur uske dauran aap apni training jo namaz wagaira sab farigh ho sakte hain. Guys let me tell you one more thing, we have been doing this for a long time.
पहली बार ऐसा नहीं कि हम लोग ये पहली बार कर रहे हैं, डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ. अगर हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स यहाँ पे देखें, जो आपको शुरू में बोल रहा था यू नो कि इतने फीडबैक्स हैं, शाम को हमारे 7-8 बज जाएंगे, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा था. इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रीजन कि वाकई में है इतने फीडबैक्स, राइट. तो अगर आप यहाँ पे जाए, अब यहाँ पे फीडबैक्स हमारे स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, पूरे इंटरव्यूज लगे हुए 20-20 मिनट के. ये मैं हूँ, ये हारून शेख है, अमरीन हो गई और ये खालिद हो गए, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है. ये आपके डिफरेंट फीडबैक्स लगे हुए, यहाँ पे टेक्स्ट फीडबैक्स हैं, और भी अभी तकरीबन हर 5-10 दिन में और ऐड होते रहते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो. और यू नो यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग कि यार ये लोग किस लेवल में जा चुके हैं और क्या क्या लोग कर चुके हैं. गुड कोर्स, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू हैव टू एनरोल राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव मच सीट्स डेफिनेटली फॉर दिस बैच. इज इट पॉसिबल दैट आई स्टार्ट दिस कोर्स इन अप्रैल 2019? गैलेक्सी, आपका नाम जिसने भी लिखा है गैलेक्सी J6, देयर इज नो रीजन लिटरली. अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट राइट नाउ, देयर इज नो रीजन टू डिले इट. बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का, हमें ये पता है कि जिन जिन लोगों ने ये बोला होता है कि यू नो दे विल यू नो एनरोल इन द नेक्स्ट बैच, इट नेवर हैपेंस बिकॉज द बेस्ट टाइम नेवर कम्स. नाउ इज द बेस्ट टाइम, एनरोल राइट नाउ. दीज आर लाइव लेक्चर्स नीलम. The beautiful thing is the live lectures. The thing is कि खाली training से आपकी ज़िंदगी change नहीं होती. It's the training, it's the interaction with the trainers, it's the tools and all of these things that actually you know brings out success and everything. Hope I've answered a question, Neelam. I am me. बोलते हैं certificates help us. Of course, यार अगर आप Google के certificates लेते हो, they are all you know all recognized certificates. डू कंपनीज हायर डिजिटल मार्केटर्स? मारिया बोलती हैं, हर आप किसी भी कंपनी में चले जाइए मारिया, चाहे बैंक में चले जाइए, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल में चले जाइए, उनसे पूछिएगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट क्या है, यू विल सी. Shweb, it was nice attending your class. I need your personal number so I can ask module or program according to my requirement. Bilal, aapki jo program hai usme separate modules nahi hote, I'm so sorry. Isme complete hi program hota hai aur wahi isme separate modules isme nahi karwaye jate. Hamara office ka number ye hai, yahan pe mention hai hamara office ka number, hamara office ka WhatsApp bhi yahan mention hai, dono cheeze yahan mention hai, iska aap note yahan pe कर सकते हैं. एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा ली है, आई थिंक कुछ लोगों ने करवा ली है, जिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा ली है, आपको कल हमारी तरफ से कॉल आएगी, ठीक है. आपको कल हमारी तरफ से कॉल आएगी और कल आपकी कंफर्म, बिकॉज आज हमारा ऑफिस बंद है, ऑफ कोर्स संडे है, तो कल आपको कॉल आएगी और कल आपको जो है आपकी कंफर्मेशन आपकी हो जाएगी. सो गाइज, दैट इज द आई थिंक अब हमारे कोई क्वेश्चंस आई गेस नहीं है. लेट मी सी इफ यू हैव. Do we learn graphic designing also? Amir Ali बोलते हैं, आपको इतनी डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है जितनी डिजाइनिंग आपकी जरूरत होती है. ऑफ कोर्स डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज बोथ डिफरेंट फील्ड्स. ओके, ठीक हो गया गैलेक्सी. ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ मेंशन है, तनवीर अहमद, ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, आपको नजर आ रहा होगा कॉल और व्हाट्सएप, ये हमारे ऑफिस के दोनों नंबर मौजूद है यहाँ पे. ठीक है शकील साहब, थैंक यू. ओके गाइस, सो आई थिंक हमारा कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं है. एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जिन जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवा ली है, इंशाल्लाह ताला दे विल रिमेंबर दिस डे 10th ऑफ मार्च, कि उस दिन उनकी लाइफ में टर्निंग, बिकॉज मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया था जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग 2011 में सीखना स्टार्ट करी थी. ऑल्दो के मेरे पास कोई प्रोफेशनल एनवायरमेंट नहीं था, आप लोगों के पास तो होगा, मेरे पास तो कोई प्रोफेशनल एनवायरमेंट नहीं था और मुझे काफी साल लगे एक लेवल में आने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी रन कर रहा हूँ. लेकिन आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होगा, जो सक्सेस मुझे 4 साल में मिली, आपको इंशाल्लाह वो 5 महीने 1 साल में आपको मिल जाएगी, अगर आप सिंसियर होगे सीखने में और लर्निंग में. सो इफ माई नंबर इज रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू सिग्नल, देन प्लीज कॉन्टेक्ट माई ईमेल. ठीक है फजल साहब, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा तो आप आपको ईमेल कर लेंगे. Can we talk to you on these number? जी आप office timing में phone करेंगे तो मुझे आप बोल दीजिएगा, वो मुझे call transfer कर देंगे. What is the benefit of Facebook certificate and Google certificate? Yeah, of course for job purposes. अगर आपको job के लिए चाहिए है या freelancing के लिए चाहिए तो वो आपको इसमें help करता है. ठीक है guys, नहीं आई डोंट यूज आई डोंट प्रेफर दैट. आप मुझे कॉल में ही रब्ता कर सकते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, ये कॉल आप कर लीजिए, आप उसमें रब्ता कर लीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज इट.
सबके क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं आंसर, एंड इट वाज अ वेरी नाइस सेशन फॉर यू. और जिन लोगों ने अगेन एनरोलमेंट करवाई है आपको वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग फॉर द गिफ्ट. फजल ने मुझे याद दिलाया है यहाँ पे, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे याद दिला दिया. दिस इज योर गिफ्ट बाय द वे, guide.pdf. Download that guide. It's written by me, and आप लोगों को बहुत जबरदस्त इस गाइड में सीखने को मिलेगा. और that was the gift from me for all of you guys. So inshallah ताला those of you who have enrolled, जी हाँ मैंने गाइड यहाँ पे दे दी है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गाइड मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज अगेन जिन लोगों ने एनरोलमेंट कराई. आपको कल कॉल आएगी हमारी तरफ से, सो मेक श्योर टू पिक द कॉल एंड कन्फर्म योर एनरोलमेंट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप जब एनरोल करवा के आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आपको सिर्फ एक चीज का दुख होगा कि आपने ये डिसीजन जो है वो 6 महीने पहले क्यों नहीं लिया. सो गाइज थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. जोर में दस रजे तो गिरा कर रुकना होने लगा.